पेना को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं उपेना मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में। दोस्तों, यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताया हूं और इस मूवी का गजब का रिव्यू भी दिया हूं। तो दोस्तों, यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बात करें इस मूवी के बारे में तो 12 फरवरी 2021 को रिलीज हुई तेलुगु भाषा की ड्रामा रोमांटिक मूवी उपेना। इस मूवी को डायरेक्ट किया है बूची बाबू शना ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो वैष्णव तेज, कीर्ति शेट्टी, विजय सेतुपति, गायत्री जयरमन, मामिल्ला साई चंद, राजीव कनकला, महादेवन, जय कृष्णा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDb पर 10 में से 6.8 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों, इस मूवी का बजट 22 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का कारोबार किया था। दोस्तों, यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस मूवी को ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से पॉजिटिव रिव्यूज मिले थे और दोस्तों, इस मूवी को एक सुपर डुपर हिट करार दिया गया था। दोस्तों, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, यह मूवी सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद इस मूवी का थिएटर प्रीमियर होने के बाद इस मूवी का डिजिटल प्रीमियर हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिला है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिली है सिर्फ और सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज में इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ। तो दोस्तों, आप इस मूवी को तेलुगु लैंग्वेज में इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ नेटफ्लिक्स पर। जी हाँ दोस्तों, आप नेटफ्लिक्स पर इस मूवी को तेलुगु लैंग्वेज में देख सकते हो। बात करें इस मूवी के हिंदी डब वर्जन के बारे में तो दोस्तों, इस मूवी की हिंदी अनऑफिशियल डबिंग काफी सारी वेबसाइट्स पर अवेलेबल हो चुकी है। अगर आप इस मूवी की हिंदी अनऑफिशियल डब वर्जन को देखना चाहते हो तो आप बिल्कुल वेबसाइट्स पर जाकर देख सकते हो। बात करें इस मूवी के ऑफिशियल हिंदी डब वर्जन के बारे में तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस मूवी की ऑफिशियल हिंदी डबिंग राइट्स को सूत्रों के मुताबिक गोल्डमैश टेलीफिल्म की तरफ से खरीदा गया है। तो दोस्तों, इस मूवी को आने में काफी थोड़ा वक्त ज्यादा लग सकता है, तो अब देखना यह होगा कि जब भी इस मूवी की ऑफिशियल रिलीज डेट अनाउंसमेंट होती है तो मैं आपको अगले वीडियो में हमारे चैनल पर बता दूंगा। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो आशी वैष्णव तेज एक गरीब मछुआरे का बेटा है जिसे संगीता कृति शेट्टी से प्यार हो जाता है, जो एक अमीर जमींदार रायनम विजय सेतुपति की बेटी है। दंपत्ति को प्यार हो जाता है लेकिन दो गांवों के बीच एक गंभीर समस्या कहानी को उल्टा कर देती है। यह देखकर कपल एक पागल कदम उठाता है और उनके जीवन की दिशा को काफ़ी हद तक बदल देता है। आगे की कहानी में क्या होता है इसके लिए यह मूवी आपको देखनी पड़ेगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस मूवी की जो स्टोरी है काफ़ी गजब की और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और दोस्तों, अगर आप साउथ की रोमांटिक मूवीज़ देखना पसंद करते हो तो यह फिल्म आपके लिए सबसे बेस्ट है। तो आप रोमांटिक फिल्में देखना पसंद करते हो साउथ की, तो आपको यह मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। दोस्तों, कुल मिलाकर उपेना एक प्रभावशाली स्टार कास्ट के साथ एक चलती फिरती प्रेम कहानी है। अद्भुत गीत, एक ताज़ा जोड़ी और किरकिरा नाटक इस फिल्म के लिए बुनियादी संपत्ति है। हालांकि कहानी थोड़ी नियमित है और सेकेंड हाफ के कुछ हिस्से अनुमानित हो जाते हैं। सभ्य वर्णन और कठिन चरमोत्कर्ष इस फिल्म को एक प्रभावशाली घड़ी बनाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप इस मूवी को देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर तेलुगु लैंग्वेज में इंग्लिश हिंदी सबटाइटल्स के साथ। और अगर आप इस मूवी को अनऑफिशियली हिंदी डब वर्जन में देखना चाहते हो तो आप बिल्कुल वेबसाइट्स पर जाकर देख सकते हो। दोस्तों, जैसे इस मूवी की ऑफिशियल हिंदी डबिंग से जुड़ी और भी कोई जानकारी सामने आती है तो मैं आपको अगले वीडियो में हमारे चैनल पर बता दूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।
दोस्तों अगर आप साल 2021 में रिलीज हुई तेलुगु इंडस्ट्री की ब्लॉकबस्टर मूवी उप्पेना को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं उप्पेना मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में। दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताया हूं और इस मूवी का गजब का रिव्यू भी दिया हूं। तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बात करें इस मूवी के बारे में तो 12 फरवरी 2021 को रिलीज हुई तेलुगु भाषा की ड्रामा रोमांटिक मूवी उप्पेना। इस मूवी को डायरेक्ट किया है बूची बाबू शना ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो वैष्णव तेज, कीर्ति शेट्टी, विजय सेतुपति, गायत्री जयरमन, मामिल्ला, साई चंद, राजीव कनकला, महादेवन, जय कृष्णा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDb पर 10 में से 6.8 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों इस मूवी का बजट 22 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का कारोबार किया था। दोस्तों यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। मैं आपको बता दूं दोस्तों इस मूवी को ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से पॉजिटिव रिव्यूज मिले थे और दोस्तों इस मूवी को एक सुपर डुपर हिट करार दिया गया था। दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं दोस्तों यह मूवी सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद इस मूवी का थिएटर प्रीमियर होने के बाद इस मूवी का डिजिटल प्रीमियर हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिला है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिली है सिर्फ और सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज में इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ। तो दोस्तों आप इस मूवी को तेलुगु लैंग्वेज में इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ नेटफ्लिक्स पर। जी हाँ दोस्तों आप नेटफ्लिक्स पर इस मूवी को तेलुगु लैंग्वेज में देख सकते हो। बात करें इस मूवी के हिंदी डब वर्जन के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की हिंदी अनऑफिशियल डबिंग काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर अवेलेबल हो चुकी है। अगर आप इस मूवी की हिंदी अनऑफिशियल डब वर्जन को देखना चाहते हो तो आप बिल्कुल वेबसाइट्स पर जाकर देख सकते हो। बात करें इस मूवी के ऑफिशियल हिंदी डब वर्जन के बारे में तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इस मूवी की ऑफिशियल हिंदी डबिंग राइट्स को सूत्रों के मुताबिक गोल्डमैश टेलीफिल्म की तरफ से खरीदा गया है। तो दोस्तों इस मूवी को आने में काफ़ी थोड़ा वक्त ज़्यादा लग सकता है तो अब देखना यह होगा कि जब भी इस मूवी की ऑफिशियल रिलीज डेट अनाउंसमेंट होती है तो मैं आपको अगले वीडियो में हमारे चैनल पर बता दूंगा। बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में तो आशी वैष्णव तेज एक गरीब मछुआरे का बेटा है जिसे संगीता कृति शेट्टी से प्यार हो जाता है जो एक अमीर जमींदार रायनम विजय सेतुपति की बेटी है। दंपत्ति को प्यार हो जाता है लेकिन दो गांवों के बीच एक गंभीर समस्या कहानी को उल्टा कर देती है। यह देखकर कपल एक पागल कदम उठाता है और उनके जीवन की दिशा को काफ़ी हद तक बदल देता है। आगे की कहानी में क्या होता है इसके लिए यह मूवी आपको देखनी पड़ेगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इस मूवी की जो स्टोरी है काफ़ी गजब की और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और दोस्तों अगर आप साउथ की रोमांटिक मूवीज़ देखना पसंद करते हो तो यह फिल्म आपके लिए सबसे बेस्ट है। तो आप रोमांटिक फिल्में देखना पसंद करते हो साउथ की तो आपको यह मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। दोस्तों कुल मिलाकर उप्पेना एक प्रभावशाली स्टार कास्ट के साथ एक चलती फिरती प्रेम कहानी है। अद्भुत गीत, एक ताज़ा जोड़ी और किरकिरा नाटक इस फिल्म के लिए बुनियादी संपत्ति है। हालांकि कहानी थोड़ी नियमित है और सेकेंड हाफ के कुछ हिस्से अनुमानित हो जाते हैं। सभ्य वर्णन और कठिन चरमोत्कर्ष इस फिल्म को एक प्रभावशाली घड़ी बनाते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप इस मूवी को देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर तेलुगु लैंग्वेज में इंग्लिश हिंदी सबटाइटल्स के साथ। और अगर आप इस मूवी को अनऑफिशियली हिंदी डब वर्जन में देखना चाहते हो तो आप बिल्कुल वेबसाइट्स पर जाकर देख सकते हो। दोस्तों जैसे इस मूवी की ऑफिशियल हिंदी डबिंग से जुड़ी और भी कोई जानकारी सामने आती है तो मैं आपको अगले वीडियो में हमारे चैनल पर बता दूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।
दोस्तों अगर आप साल 2021 में रिलीज हुई तेलुगु इंडस्ट्री की ब्लॉकबस्टर मूवी उप्पेना को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं उप्पेना मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में। दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताया हूं और इस मूवी का गजब का रिव्यू भी दिया हूँ। तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बात करें इस मूवी के बारे में तो 12 फरवरी 2021 को रिलीज हुई तेलुगु भाषा की ड्रामा रोमांटिक मूवी उप्पेना। इस मूवी को डायरेक्ट किया है बूची बाबू शना ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो वैष्णव तेज, कीर्ति शेट्टी, विजय सेतुपति, गायत्री जयरमन, मामिल्ला साई चंद, राजीव कनकला, महादेवन, जय कृष्णा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 6.8 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों इस मूवी का बजट 22 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का कारोबार किया था। दोस्तों यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। मैं आपको बता दूं दोस्तों इस मूवी को ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से पॉजिटिव रिव्यूज मिले थे और दोस्तों इस मूवी को एक सुपर डुपर हिट करार दिया गया था। दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं दोस्तों यह मूवी सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद इस मूवी का थिएटर प्रीमियर होने के बाद इस मूवी का डिजिटल प्रीमियर हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिला है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिली है सिर्फ और सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज में इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ। तो दोस्तों आप इस मूवी को तेलुगु लैंग्वेज में इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ नेटफ्लिक्स पर। जी हाँ दोस्तों आप नेटफ्लिक्स पर इस मूवी को तेलुगु लैंग्वेज में देख सकते हो। बात करें इस मूवी के हिंदी डब वर्जन के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की हिंदी अनऑफिशियल डबिंग काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर अवेलेबल हो चुकी है। अगर आप इस मूवी की हिंदी अनऑफिशियल डब वर्जन को देखना चाहते हो तो आप बिल्कुल वेबसाइट्स पर जाकर देख सकते हो। बात करें इस मूवी के ऑफिशियल हिंदी डब वर्जन के बारे में तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इस मूवी की ऑफिशियल हिंदी डबिंग राइट्स को सूत्रों के मुताबिक गोल्डमैश टेलीफिल्म की तरफ से खरीदा गया है। तो दोस्तों इस मूवी को आने में काफ़ी थोड़ा वक्त ज़्यादा लग सकता है, तो अब देखना यह होगा कि जब भी इस मूवी की ऑफिशियल रिलीज डेट अनाउंसमेंट होती है तो मैं आपको अगले वीडियो में हमारे चैनल पर बता दूंगा। बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में तो आशी वैष्णव तेज एक गरीब मछुआरे का बेटा है जिसे संगीता कृति शेट्टी से प्यार हो जाता है, जो एक अमीर जमींदार रायनम विजय सेतुपति की बेटी है। दंपत्ति को प्यार हो जाता है लेकिन दो गांवों के बीच एक गंभीर समस्या कहानी को उल्टा कर देती है। यह देखकर कपल एक पागल कदम उठाता है और उनके जीवन की दिशा को काफ़ी हद तक बदल देता है। आगे की कहानी में क्या होता है इसके लिए यह मूवी आपको देखनी पड़ेगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इस मूवी की जो स्टोरी है काफ़ी गजब की और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और दोस्तों अगर आप साउथ की रोमांटिक मूवीज़ देखना पसंद करते हो तो यह फिल्म आपके लिए सबसे बेस्ट है। तो आप रोमांटिक फिल्में देखना पसंद करते हो साउथ की तो आपको यह मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। दोस्तों कुल मिलाकर उप्पेना एक प्रभावशाली स्टार कास्ट के साथ एक चलती फिरती प्रेम कहानी है। अद्भुत गीत, एक ताज़ा जोड़ी और किरकिरा नाटक इस फिल्म के लिए बुनियादी संपत्ति है। हालांकि कहानी थोड़ी नियमित है और सेकेंड हाफ के कुछ हिस्से अनुमानित हो जाते हैं। सभ्य वर्णन और कठिन चरमोत्कर्ष इस फिल्म को एक प्रभावशाली घड़ी बनाते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप इस मूवी को देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर तेलुगु लैंग्वेज में इंग्लिश हिंदी सबटाइटल्स के साथ। और अगर आप इस मूवी को अनऑफिशियली हिंदी डब वर्जन में देखना चाहते हो तो आप बिल्कुल वेबसाइट्स पर जाकर देख सकते हो। दोस्तों जैसे इस मूवी की ऑफिशियल हिंदी डबिंग से जुड़ी और भी कोई जानकारी सामने आती है तो मैं आपको अगले वीडियो में हमारे चैनल पर बता दूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।
दोस्तों अगर आप साल 2021 में रिलीज हुई तेलुगु इंडस्ट्री की ब्लॉकबस्टर मूवी उप्पेना को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं उप्पेना मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में। दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताया हूं और इस मूवी का गजब का रिव्यू भी दिया हूँ। तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बात करें इस मूवी के बारे में तो 12 फरवरी 2021 को रिलीज हुई तेलुगु भाषा की ड्रामा रोमांटिक मूवी उप्पेना। इस मूवी को डायरेक्ट किया है बूची बाबू शना ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो वैष्णव तेज, कीर्ति शेट्टी, विजय सेतुपति, गायत्री जयरमन, मामिल्ला साई चंद, राजीव कनकला, महादेवन, जय कृष्णा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को आईएमडीबी पर 10 में से 6.8 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों इस मूवी का बजट 22 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का कारोबार किया था। दोस्तों यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। मैं आपको बता दूं दोस्तों इस मूवी को ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से पॉजिटिव रिव्यूज मिले थे और दोस्तों इस मूवी को एक सुपर डुपर हिट करार दिया गया था। दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं दोस्तों यह मूवी सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद इस मूवी का थिएटर प्रीमियर होने के बाद इस मूवी का डिजिटल प्रीमियर हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिला है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिली है सिर्फ और सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज में इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ। तो दोस्तों आप इस मूवी को तेलुगु लैंग्वेज में इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ नेटफ्लिक्स पर। जी हाँ दोस्तों आप नेटफ्लिक्स पर इस मूवी को तेलुगु लैंग्वेज में देख सकते हो। बात करें इस मूवी के हिंदी डब वर्जन के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की हिंदी अनऑफिशियल डबिंग काफी सारी वेबसाइट्स पर अवेलेबल हो चुकी है। अगर आप इस मूवी की हिंदी अनऑफिशियल डब वर्जन को देखना चाहते हो तो आप बिल्कुल वेबसाइट्स पर जाकर देख सकते हो। बात करें इस मूवी के ऑफिशियल हिंदी डब वर्जन के बारे में तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इस मूवी की ऑफिशियल हिंदी डबिंग राइट्स को सूत्रों के मुताबिक गोल्डमैश टेलीफिल्म की तरफ से खरीदा गया है। तो दोस्तों इस मूवी को आने में काफी थोड़ा वक्त ज्यादा लग सकता है, तो अब देखना यह होगा कि जब भी इस मूवी की ऑफिशियल रिलीज डेट अनाउंसमेंट होती है तो मैं आपको अगले वीडियो में हमारे चैनल पर बता दूंगा। बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में तो आशी वैष्णव तेज एक गरीब मछुआरे का बेटा है जिसे संगीता कृति शेट्टी से प्यार हो जाता है जो एक अमीर जमींदार रायनम विजय सेतुपति की बेटी है। दंपत्ति को प्यार हो जाता है लेकिन दो गांवों के बीच एक गंभीर समस्या कहानी को उल्टा कर देती है। यह देखकर कपल एक पागल कदम उठाता है और उनके जीवन की दिशा को काफ़ी हद तक बदल देता है। आगे की कहानी में क्या होता है इसके लिए यह मूवी आपको देखनी पड़ेगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इस मूवी की जो स्टोरी है काफ़ी गजब की और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और दोस्तों अगर आप साउथ की रोमांटिक मूवीज़ देखना पसंद करते हो तो यह फिल्म आपके लिए सबसे बेस्ट है। तो आप रोमांटिक फिल्में देखना पसंद करते हो साउथ की तो आपको यह मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। दोस्तों कुल मिलाकर उप्पेना एक प्रभावशाली स्टार कास्ट के साथ एक चलती फिरती प्रेम कहानी है। अद्भुत गीत, एक ताज़ा जोड़ी और किरकिरा नाटक इस फिल्म के लिए बुनियादी संपत्ति है। हालांकि कहानी थोड़ी नियमित है और सेकेंड हाफ के कुछ हिस्से अनुमानित हो जाते हैं। सभ्य वर्णन और कठिन चरमोत्कर्ष इस फिल्म को एक प्रभावशाली घड़ी बनाते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप इस मूवी को देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर तेलुगु लैंग्वेज में इंग्लिश हिंदी सबटाइटल्स के साथ। और अगर आप इस मूवी को अनऑफिशियली हिंदी डब वर्जन में देखना चाहते हो तो आप बिल्कुल वेबसाइट्स पर जाकर देख सकते हो। दोस्तों जैसे इस मूवी की ऑफिशियल हिंदी डबिंग से जुड़ी और भी कोई जानकारी सामने आती है तो मैं आपको अगले वीडियो में हमारे चैनल पर बता दूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।
दोस्तों अगर आप साल 2021 में रिलीज हुई तेलुगु इंडस्ट्री की ब्लॉकबस्टर मूवी उप्पेना को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं उप्पेना मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में। दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताया हूं और इस मूवी का गजब का रिव्यू भी दिया हूं। तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बात करें इस मूवी के बारे में तो 12 फरवरी 2021 को रिलीज हुई तेलुगु भाषा की ड्रामा रोमांटिक मूवी उप्पेना। इस मूवी को डायरेक्ट किया है बूची बाबू शना ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो वैष्णव तेज, कीर्ति शेट्टी, विजय सेतुपति, गायत्री जयरमन, मामिल्ला साई चंद, राजीव खनकला, महादेवन, जय कृष्णा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDb पर 10 में से 6.8 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों इस मूवी का बजट 22 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का कारोबार किया था। दोस्तों यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। मैं आपको बता दूं दोस्तों इस मूवी को ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से पॉजिटिव रिव्यूज मिले थे और दोस्तों इस मूवी को एक सुपर डुपर हिट करार दिया गया था। दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं दोस्तों यह मूवी सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद इस मूवी का थिएटर प्रीमियर होने के बाद इस मूवी का डिजिटल प्रीमियर हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिला है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिली है सिर्फ और सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज में इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ। तो दोस्तों आप इस मूवी को तेलुगु लैंग्वेज में इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ नेटफ्लिक्स पर। जी हाँ दोस्तों आप नेटफ्लिक्स पर इस मूवी को तेलुगु लैंग्वेज में देख सकते हो। बात करें इस मूवी के हिंदी डब वर्जन के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की हिंदी अनऑफिशियल डबिंग काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर अवेलेबल हो चुकी है। अगर आप इस मूवी की हिंदी अनऑफिशियल डब वर्जन को देखना चाहते हो तो आप बिल्कुल वेबसाइट्स पर जाकर देख सकते हो। बात करें इस मूवी के ऑफिशियल हिंदी डब वर्जन के बारे में तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इस मूवी की ऑफिशियल हिंदी डबिंग राइट्स को सूत्रों के मुताबिक गोल्डमैश टेलीफिल्म की तरफ से खरीदा गया है। तो दोस्तों इस मूवी को आने में काफ़ी थोड़ा वक्त ज़्यादा लग सकता है तो अब देखना यह होगा कि जब भी इस मूवी की ऑफिशियल रिलीज डेट अनाउंसमेंट होती है तो मैं आपको अगले वीडियो में हमारे चैनल पर बता दूंगा। बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में तो आशी वैष्णव तेज एक गरीब मछुआरे का बेटा है जिसे संगीता कृति शेट्टी से प्यार हो जाता है जो एक अमीर जमींदार रायनम विजय सेतुपति की बेटी है। दंपत्ति को प्यार हो जाता है लेकिन दो गांवों के बीच एक गंभीर समस्या कहानी को उल्टा कर देती है। यह देखकर कपल एक पागल कदम उठाता है और उनके जीवन की दिशा को काफ़ी हद तक बदल देता है। आगे की कहानी में क्या होता है इसके लिए यह मूवी आपको देखनी पड़ेगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इस मूवी की जो स्टोरी है काफ़ी गजब की और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और दोस्तों अगर आप साउथ की रोमांटिक मूवीज़ देखना पसंद करते हो तो यह फिल्म आपके लिए सबसे बेस्ट है। तो आप रोमांटिक फिल्में देखना पसंद करते हो साउथ की तो आपको यह मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। दोस्तों कुल मिलाकर उप्पेना एक प्रभावशाली स्टार कास्ट के साथ एक चलती फिरती प्रेम कहानी है। अद्भुत गीत, एक ताज़ा जोड़ी और किरकिरा नाटक इस फिल्म के लिए बुनियादी संपत्ति है। हालांकि कहानी थोड़ी नियमित है और सेकेंड हाफ के कुछ हिस्से अनुमानित हो जाते हैं। सभ्य वर्णन और कठिन चरमोत्कर्ष इस फिल्म को एक प्रभावशाली घड़ी बनाते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप इस मूवी को देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर तेलुगु लैंग्वेज में इंग्लिश हिंदी सबटाइटल्स के साथ। और अगर आप इस मूवी को अनऑफिशियली हिंदी डब वर्जन में देखना चाहते हो तो आप बिल्कुल वेबसाइट्स पर जाकर देख सकते हो। दोस्तों जैसे इस मूवी की ऑफिशियल हिंदी डबिंग से जुड़ी और भी कोई जानकारी सामने आती है तो मैं आपको अगले वीडियो में हमारे चैनल पर बता दूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।
दोस्तों, अगर आप साल 2021 में रिलीज हुई तेलुगु इंडस्ट्री की ब्लॉकबस्टर मूवी उप्पेना को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं उप्पेना मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में। दोस्तों, यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताया हूं और इस मूवी का गजब का रिव्यू भी दिया हूं। तो दोस्तों, यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बात करें इस मूवी के बारे में तो 12 फरवरी 2021 को रिलीज हुई तेलुगु भाषा की ड्रामा रोमांटिक मूवी उप्पेना। इस मूवी को डायरेक्ट किया है बूची बाबू शर्मा ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो वैष्णव तेज, कीर्ति शेट्टी, विजय सेतुपति, गायत्री जयरमन, मामिल्ला, साई चंद, राजीव खनकला, महादेवन, जय कृष्णा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 6.8 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों, इस मूवी का बजट 22 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का कारोबार किया था। दोस्तों, यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस मूवी को ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से पॉजिटिव रिव्यूज मिले थे और दोस्तों, इस मूवी को एक सुपर डुपर हिट करार दिया गया था। दोस्तों, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, यह मूवी सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद इस मूवी का थिएटर प्रीमियर होने के बाद इस मूवी का डिजिटल प्रीमियर हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिला है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिली है सिर्फ और सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज में इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ। तो दोस्तों, आप इस मूवी को तेलुगु लैंग्वेज में इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ नेटफ्लिक्स पर। जी हाँ दोस्तों, आप नेटफ्लिक्स पर इस मूवी को तेलुगु लैंग्वेज में देख सकते हो। बात करें इस मूवी के हिंदी डब वर्जन के बारे में तो दोस्तों, इस मूवी की हिंदी अनऑफिशियल डबिंग काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर अवेलेबल हो चुकी है। अगर आप इस मूवी की हिंदी अनऑफिशियल डब वर्जन को देखना चाहते हो तो आप बिल्कुल वेबसाइट्स पर जाकर देख सकते हो। बात करें इस मूवी के ऑफिशियल हिंदी डब वर्जन के बारे में तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस मूवी की ऑफिशियल हिंदी डबिंग राइट्स को सूत्रों के मुताबिक गोल्डमैश टेलीफिल्म की तरफ से खरीदा गया है। तो दोस्तों, इस मूवी को आने में काफ़ी थोड़ा वक्त ज़्यादा लग सकता है, तो अब देखना यह होगा कि जब भी इस मूवी की ऑफिशियल रिलीज डेट अनाउंसमेंट होती है तो मैं आपको अगले वीडियो में हमारे चैनल पर बता दूंगा। बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में तो आशी वैष्णव तेज एक गरीब मछुआरे का बेटा है जिसे संगीता कृति शेट्टी से प्यार हो जाता है, जो एक अमीर जमींदार रायनम विजय सेतुपति की बेटी है। दंपत्ति को प्यार हो जाता है लेकिन दो गांवों के बीच एक गंभीर समस्या कहानी को उल्टा कर देती है। यह देखकर कपल एक पागल कदम उठाता है और उनके जीवन की दिशा को काफ़ी हद तक बदल देता है। आगे की कहानी में क्या होता है इसके लिए यह मूवी आपको देखनी पड़ेगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस मूवी की जो स्टोरी है काफ़ी गजब की और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और दोस्तों, अगर आप साउथ की रोमांटिक मूवीज़ देखना पसंद करते हो तो यह फिल्म आपके लिए सबसे बेस्ट है। तो आप रोमांटिक फिल्में देखना पसंद करते हो साउथ की, तो आपको यह मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। दोस्तों, कुल मिलाकर उप्पेना एक प्रभावशाली स्टार कास्ट के साथ एक चलती फिरती प्रेम कहानी है। अद्भुत गीत, एक ताज़ा जोड़ी और किरकिरा नाटक इस फिल्म के लिए बुनियादी संपत्ति है। हालांकि कहानी थोड़ी नियमित है और सेकेंड हाफ के कुछ हिस्से अनुमानित हो जाते हैं। सभ्य वर्णन और कठिन चरमोत्कर्ष इस फिल्म को एक प्रभावशाली घड़ी बनाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप इस मूवी को देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर तेलुगु लैंग्वेज में इंग्लिश हिंदी सबटाइटल्स के साथ। और अगर आप इस मूवी को अनऑफिशियली हिंदी डब वर्जन में देखना चाहते हो तो आप बिल्कुल वेबसाइट्स पर जाकर देख सकते हो। दोस्तों, जैसे इस मूवी की ऑफिशियल हिंदी डबिंग से जुड़ी और भी कोई जानकारी सामने आती है तो मैं आपको अगले वीडियो में हमारे चैनल पर बता दूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।
दोस्तों अगर आप साल 2021 में रिलीज हुई तेलुगु इंडस्ट्री की ब्लॉकबस्टर मूवी उप्पेना को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं उप्पेना मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में। दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताया हूं और इस मूवी का गजब का रिव्यू भी दिया हूँ। तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बात करें इस मूवी के बारे में तो 12 फरवरी 2021 को रिलीज हुई तेलुगु भाषा की ड्रामा रोमांटिक मूवी उप्पेना। इस मूवी को डायरेक्ट किया है बूची बाबू शना ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो वैष्णव तेज, कीर्ति शेट्टी, विजय सेतुपति, गायत्री जयरमन, मामिल्ला साई चंद, राजीव खनकला, महादेवन, जय कृष्णा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को आईएमडीबी पर 10 में से 6.8 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों इस मूवी का बजट 22 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का कारोबार किया था। दोस्तों यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। मैं आपको बता दूं दोस्तों इस मूवी को ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से पॉजिटिव रिव्यूज मिले थे और दोस्तों इस मूवी को एक सुपर डुपर हिट करार दिया गया था। दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं दोस्तों यह मूवी सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद इस मूवी का थिएटर प्रीमियर होने के बाद इस मूवी का डिजिटल प्रीमियर हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिला है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिली है सिर्फ और सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज में इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ। तो दोस्तों आप इस मूवी को तेलुगु लैंग्वेज में इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ नेटफ्लिक्स पर। जी हाँ दोस्तों आप नेटफ्लिक्स पर इस मूवी को तेलुगु लैंग्वेज में देख सकते हो। बात करें इस मूवी के हिंदी डब वर्जन के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की हिंदी अनऑफिशियल डबिंग काफी सारी वेबसाइट्स पर अवेलेबल हो चुकी है। अगर आप इस मूवी की हिंदी अनऑफिशियल डब वर्जन को देखना चाहते हो तो आप बिल्कुल वेबसाइट्स पर जाकर देख सकते हो। बात करें इस मूवी के ऑफिशियल हिंदी डब वर्जन के बारे में तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इस मूवी की ऑफिशियल हिंदी डबिंग राइट्स को सूत्रों के मुताबिक गोल्डमैश टेलीफिल्म की तरफ से खरीदा गया है। तो दोस्तों इस मूवी को आने में काफी थोड़ा वक्त ज्यादा लग सकता है तो अब देखना यह होगा कि जब भी इस मूवी की ऑफिशियल रिलीज डेट अनाउंसमेंट होती है तो मैं आपको अगले वीडियो में हमारे चैनल पर बता दूंगा। बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में तो आशी वैष्णव तेज एक गरीब मछुआरे का बेटा है जिसे संगीता कृति शेट्टी से प्यार हो जाता है जो एक अमीर जमींदार रायनम विजय सेतुपति की बेटी है। दंपत्ति को प्यार हो जाता है लेकिन दो गांवों के बीच एक गंभीर समस्या कहानी को उल्टा कर देती है। यह देखकर कपल एक पागल कदम उठाता है और उनके जीवन की दिशा को काफ़ी हद तक बदल देता है। आगे की कहानी में क्या होता है इसके लिए यह मूवी आपको देखनी पड़ेगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इस मूवी की जो स्टोरी है काफ़ी गजब की और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और दोस्तों अगर आप साउथ की रोमांटिक मूवीज़ देखना पसंद करते हो तो यह फिल्म आपके लिए सबसे बेस्ट है। तो आप रोमांटिक फिल्में देखना पसंद करते हो साउथ की तो आपको यह मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। दोस्तों कुल मिलाकर उप्पेना एक प्रभावशाली स्टार कास्ट के साथ एक चलती फिरती प्रेम कहानी है। अद्भुत गीत, एक ताज़ा जोड़ी और किरकिरा नाटक इस फिल्म के लिए बुनियादी संपत्ति है। हालांकि कहानी थोड़ी नियमित है और सेकेंड हाफ के कुछ हिस्से अनुमानित हो जाते हैं। सभ्य वर्णन और कठिन चरमोत्कर्ष इस फिल्म को एक प्रभावशाली घड़ी बनाते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप इस मूवी को देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर तेलुगु लैंग्वेज में इंग्लिश हिंदी सबटाइटल्स के साथ। और अगर आप इस मूवी को अनऑफिशियली हिंदी डब वर्जन में देखना चाहते हो तो आप बिल्कुल वेबसाइट्स पर जाकर देख सकते हो। दोस्तों जैसे इस मूवी की ऑफिशियल हिंदी डबिंग से जुड़ी और भी कोई जानकारी सामने आती है तो मैं आपको अगले वीडियो में हमारे चैनल पर बता दूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।
दोस्तों अगर आप साल 2021 में रिलीज हुई तेलुगु इंडस्ट्री की ब्लॉकबस्टर मूवी उप्पेना को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं उप्पेना मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में। दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताया हूं और इस मूवी का गजब का रिव्यू भी दिया हूं। तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बात करें इस मूवी के बारे में तो 12 फरवरी 2021 को रिलीज हुई तेलुगु भाषा की ड्रामा रोमांटिक मूवी उप्पेना। इस मूवी को डायरेक्ट किया है बूची बाबू शना ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो वैष्णव तेज, कीर्ति शेट्टी, विजय सेतुपति, गायत्री जयरमन, मामिल्ला, साई चंद, राजीव कनकला, महादेवन, जय कृष्णा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDb पर 10 में से 6.8 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों इस मूवी का बजट 22 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का कारोबार किया था। दोस्तों यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। मैं आपको बता दूं दोस्तों इस मूवी को ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से पॉजिटिव रिव्यूज मिले थे और दोस्तों इस मूवी को एक सुपर डुपर हिट करार दिया गया था। दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं दोस्तों यह मूवी सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद इस मूवी का थिएटर प्रीमियर होने के बाद इस मूवी का डिजिटल प्रीमियर हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिला है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिली है सिर्फ और सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज में इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ। तो दोस्तों आप इस मूवी को तेलुगु लैंग्वेज में इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ नेटफ्लिक्स पर। जी हाँ दोस्तों आप नेटफ्लिक्स पर इस मूवी को तेलुगु लैंग्वेज में देख सकते हो। बात करें इस मूवी के हिंदी डब वर्जन के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की हिंदी अनऑफिशियल डबिंग काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर अवेलेबल हो चुकी है। अगर आप इस मूवी की हिंदी अनऑफिशियल डब वर्जन को देखना चाहते हो तो आप बिल्कुल वेबसाइट्स पर जाकर देख सकते हो। बात करें इस मूवी के ऑफिशियल हिंदी डब वर्जन के बारे में तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ इस मूवी की ऑफिशियल हिंदी डबिंग राइट्स को सूत्रों के मुताबिक गोल्डमैश टेलीफिल्म की तरफ से खरीदा गया है। तो दोस्तों इस मूवी को आने में काफ़ी थोड़ा वक्त ज़्यादा लग सकता है तो अब देखना यह होगा कि जब भी इस मूवी की ऑफिशियल रिलीज डेट अनाउंसमेंट होती है तो मैं आपको अगले वीडियो में हमारे चैनल पर बता दूंगा। बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में तो आशी वैष्णव तेज एक गरीब मछुआरे का बेटा है जिसे संगीता कृति शेट्टी से प्यार हो जाता है जो एक अमीर जमींदार रायनम विजय सेतुपति की बेटी है। दंपत्ति को प्यार हो जाता है लेकिन दो गांवों के बीच एक गंभीर समस्या कहानी को उल्टा कर देती है। यह देखकर कपल एक पागल कदम उठाता है और उनके जीवन की दिशा को काफ़ी हद तक बदल देता है। आगे की कहानी में क्या होता है इसके लिए यह मूवी आपको देखनी पड़ेगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इस मूवी की जो स्टोरी है काफ़ी गजब की और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और दोस्तों अगर आप साउथ की रोमांटिक मूवीज़ देखना पसंद करते हो तो यह फिल्म आपके लिए सबसे बेस्ट है। तो आप रोमांटिक फिल्में देखना पसंद करते हो साउथ की तो आपको यह मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। दोस्तों कुल मिलाकर उप्पेना एक प्रभावशाली स्टार कास्ट के साथ एक चलती फिरती प्रेम कहानी है। अद्भुत गीत, एक ताज़ा जोड़ी और किरकिरा नाटक इस फिल्म के लिए बुनियादी संपत्ति है। हालांकि कहानी थोड़ी नियमित है और सेकेंड हाफ के कुछ हिस्से अनुमानित हो जाते हैं। सभ्य वर्णन और कठिन चरमोत्कर्ष इस फिल्म को एक प्रभावशाली घड़ी बनाते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप इस मूवी को देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर तेलुगु लैंग्वेज में इंग्लिश हिंदी सबटाइटल्स के साथ। और अगर आप इस मूवी को अनऑफिशियली हिंदी डब वर्जन में देखना चाहते हो तो आप बिल्कुल वेबसाइट्स पर जाकर देख सकते हो। दोस्तों जैसे इस मूवी की ऑफिशियल हिंदी डबिंग से जुड़ी और भी कोई जानकारी सामने आती है तो मैं आपको अगले वीडियो में हमारे चैनल पर बता दूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।
दोस्तों अगर आप साल 2021 में रिलीज हुई तेलुगु इंडस्ट्री की ब्लॉकबस्टर मूवी उप्पेना को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं उप्पेना मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में। दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताया हूं और इस मूवी का गजब का रिव्यू भी दिया हूँ। तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बात करें इस मूवी के बारे में तो 12 फरवरी 2021 को रिलीज हुई तेलुगु भाषा की ड्रामा रोमांटिक मूवी उप्पेना। इस मूवी को डायरेक्ट किया है बूची बाबू शर्मा ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो वैष्णव तेज, कीर्ति शेट्टी, विजय सेतुपति, गायत्री जयरमन, मामिल्ला साई चंद, राजीव कनकला, महादेवन, जय कृष्णा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 6.8 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों इस मूवी का बजट 22 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का कारोबार किया था। दोस्तों यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। मैं आपको बता दूं दोस्तों इस मूवी को ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से पॉजिटिव रिव्यूज मिले थे और दोस्तों इस मूवी को एक सुपर डुपर हिट करार दिया गया था। दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं दोस्तों यह मूवी सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद इस मूवी का थिएटर प्रीमियर होने के बाद इस मूवी का डिजिटल प्रीमियर हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिला है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिली है सिर्फ और सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज में इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ। तो दोस्तों आप इस मूवी को तेलुगु लैंग्वेज में इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ नेटफ्लिक्स पर। जी हाँ दोस्तों आप नेटफ्लिक्स पर इस मूवी को तेलुगु लैंग्वेज में देख सकते हो। बात करें इस मूवी के हिंदी डब वर्जन के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की हिंदी अनऑफिशियल डबिंग काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर अवेलेबल हो चुकी है। अगर आप इस मूवी की हिंदी अनऑफिशियल डब वर्जन को देखना चाहते हो तो आप बिल्कुल वेबसाइट्स पर जाकर देख सकते हो। बात करें इस मूवी के ऑफिशियल हिंदी डब वर्जन के बारे में तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इस मूवी की ऑफिशियल हिंदी डबिंग राइट्स को सूत्रों के मुताबिक गोल्डमैश टेलीफिल्म की तरफ से खरीदा गया है। तो दोस्तों इस मूवी को आने में काफ़ी थोड़ा वक्त ज़्यादा लग सकता है, तो अब देखना यह होगा कि जब भी इस मूवी की ऑफिशियल रिलीज डेट अनाउंसमेंट होती है तो मैं आपको अगले वीडियो में हमारे चैनल पर बता दूंगा। बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में तो आशी वैष्णव तेज एक गरीब मछुआरे का बेटा है जिसे संगीता कृति शेट्टी से प्यार हो जाता है, जो एक अमीर जमींदार रायनम विजय सेतुपति की बेटी है। दंपत्ति को प्यार हो जाता है लेकिन दो गांवों के बीच एक गंभीर समस्या कहानी को उल्टा कर देती है। यह देखकर कपल एक पागल कदम उठाता है और उनके जीवन की दिशा को काफ़ी हद तक बदल देता है। आगे की कहानी में क्या होता है इसके लिए यह मूवी आपको देखनी पड़ेगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इस मूवी की जो स्टोरी है काफ़ी गजब की और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और दोस्तों अगर आप साउथ की रोमांटिक मूवीज़ देखना पसंद करते हो तो यह फिल्म आपके लिए सबसे बेस्ट है। तो आप रोमांटिक फिल्में देखना पसंद करते हो साउथ की तो आपको यह मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। दोस्तों कुल मिलाकर उप्पेना एक प्रभावशाली स्टार कास्ट के साथ एक चलती फिरती प्रेम कहानी है। अद्भुत गीत, एक ताज़ा जोड़ी और किरकिरा नाटक इस फिल्म के लिए बुनियादी संपत्ति है। हालांकि कहानी थोड़ी नियमित है और सेकेंड हाफ के कुछ हिस्से अनुमानित हो जाते हैं। सभ्य वर्णन और कठिन चरमोत्कर्ष इस फिल्म को एक प्रभावशाली घड़ी बनाते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप इस मूवी को देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर तेलुगु लैंग्वेज में इंग्लिश हिंदी सबटाइटल्स के साथ। और अगर आप इस मूवी को अनऑफिशियली हिंदी डब वर्जन में देखना चाहते हो तो आप बिल्कुल वेबसाइट्स पर जाकर देख सकते हो। दोस्तों जैसे इस मूवी की ऑफिशियल हिंदी डबिंग से जुड़ी और भी कोई जानकारी सामने आती है तो मैं आपको अगले वीडियो में हमारे चैनल पर बता दूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।
दोस्तों अगर आप साल 2021 में रिलीज हुई तेलुगु इंडस्ट्री की ब्लॉकबस्टर मूवी उप्पेना को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं उप्पेना मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में। दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताया हूं और इस मूवी का गजब का रिव्यू भी दिया हूँ। तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बात करें इस मूवी के बारे में तो 12 फरवरी 2021 को रिलीज हुई तेलुगु भाषा की ड्रामा रोमांटिक मूवी उप्पेना। इस मूवी को डायरेक्ट किया है बूची बाबू शना ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो वैष्णव तेज, कीर्ति शेट्टी, विजय सेतुपति, गायत्री जयरमन, मामिल्ला साई चंद, राजीव खनकला, महादेवन, जय कृष्णा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को आईएमडीबी पर 10 में से 6.8 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों इस मूवी का बजट 22 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का कारोबार किया था। दोस्तों यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। मैं आपको बता दूं दोस्तों इस मूवी को ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से पॉजिटिव रिव्यूज मिले थे और दोस्तों इस मूवी को एक सुपर डुपर हिट करार दिया गया था। दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं दोस्तों यह मूवी सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद इस मूवी का थिएटर प्रीमियर होने के बाद इस मूवी का डिजिटल प्रीमियर हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिला है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिली है सिर्फ और सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज में इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ। तो दोस्तों आप इस मूवी को तेलुगु लैंग्वेज में इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ नेटफ्लिक्स पर। जी हाँ दोस्तों आप नेटफ्लिक्स पर इस मूवी को तेलुगु लैंग्वेज में देख सकते हो। बात करें इस मूवी के हिंदी डब वर्जन के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की हिंदी अनऑफिशियल डबिंग काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर अवेलेबल हो चुकी है। अगर आप इस मूवी की हिंदी अनऑफिशियल डब वर्जन को देखना चाहते हो तो आप बिल्कुल वेबसाइट्स पर जाकर देख सकते हो। बात करें इस मूवी के ऑफिशियल हिंदी डब वर्जन के बारे में तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इस मूवी की ऑफिशियल हिंदी डबिंग राइट्स को सूत्रों के मुताबिक गोल्डमैश टेलीफिल्म की तरफ से खरीदा गया है। तो दोस्तों इस मूवी को आने में काफ़ी थोड़ा वक्त ज़्यादा लग सकता है, तो अब देखना यह होगा कि जब भी इस मूवी की ऑफिशियल रिलीज डेट अनाउंसमेंट होती है तो मैं आपको अगले वीडियो में हमारे चैनल पर बता दूंगा। बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में तो आशी वैष्णव तेज एक गरीब मछुआरे का बेटा है जिसे संगीता कृति शेट्टी से प्यार हो जाता है, जो एक अमीर जमींदार रायनम विजय सेतुपति की बेटी है। दंपत्ति को प्यार हो जाता है लेकिन दो गांवों के बीच एक गंभीर समस्या कहानी को उल्टा कर देती है। यह देखकर कपल एक पागल कदम उठाता है और उनके जीवन की दिशा को काफ़ी हद तक बदल देता है। आगे की कहानी में क्या होता है इसके लिए यह मूवी आपको देखनी पड़ेगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इस मूवी की जो स्टोरी है काफ़ी गजब की और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और दोस्तों अगर आप साउथ की रोमांटिक मूवीज़ देखना पसंद करते हो तो यह फिल्म आपके लिए सबसे बेस्ट है। तो आप रोमांटिक फिल्में देखना पसंद करते हो साउथ की तो आपको यह मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। दोस्तों कुल मिलाकर उप्पेना एक प्रभावशाली स्टार कास्ट के साथ एक चलती फिरती प्रेम कहानी है। अद्भुत गीत, एक ताज़ा जोड़ी और किरकिरा नाटक इस फिल्म के लिए बुनियादी संपत्ति है। हालांकि कहानी थोड़ी नियमित है और सेकेंड हाफ के कुछ हिस्से अनुमानित हो जाते हैं। सभ्य वर्णन और कठिन चरमोत्कर्ष इस फिल्म को एक प्रभावशाली घड़ी बनाते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप इस मूवी को देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर तेलुगु लैंग्वेज में इंग्लिश हिंदी सबटाइटल्स के साथ। और अगर आप इस मूवी को अनऑफिशियली हिंदी डब वर्जन में देखना चाहते हो तो आप बिल्कुल वेबसाइट्स पर जाकर देख सकते हो। दोस्तों जैसे इस मूवी की ऑफिशियल हिंदी डबिंग से जुड़ी और भी कोई जानकारी सामने आती है तो मैं आपको अगले वीडियो में हमारे चैनल पर बता दूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।
दोस्तों अगर आप साल 2021 में रिलीज हुई तेलुगु इंडस्ट्री की ब्लॉकबस्टर मूवी उप्पेना को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं उप्पेना मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में। दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताया हूं और इस मूवी का गजब का रिव्यू भी दिया हूँ। तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बात करें इस मूवी के बारे में तो 12 फरवरी 2021 को रिलीज हुई तेलुगु भाषा की ड्रामा रोमांटिक मूवी उप्पेना। इस मूवी को डायरेक्ट किया है बूची बाबू शना ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो वैष्णव तेज, कीर्ति शेट्टी, विजय सेतुपति, गायत्री जयरमन, मामिल्ला, साई चंद, राजीव कनकला, महादेवन, जय कृष्णा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDb पर 10 में से 6.8 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों इस मूवी का बजट 22 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का कारोबार किया था। दोस्तों यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। मैं आपको बता दूं दोस्तों इस मूवी को ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से पॉजिटिव रिव्यूज मिले थे और दोस्तों इस मूवी को एक सुपर डुपर हिट करार दिया गया था। दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं दोस्तों यह मूवी सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद इस मूवी का थिएटर प्रीमियर होने के बाद इस मूवी का डिजिटल प्रीमियर हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिला है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिली है सिर्फ और सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज में इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ। तो दोस्तों आप इस मूवी को तेलुगु लैंग्वेज में इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ नेटफ्लिक्स पर। जी हाँ दोस्तों आप नेटफ्लिक्स पर इस मूवी को तेलुगु लैंग्वेज में देख सकते हो। बात करें इस मूवी के हिंदी डब वर्जन के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की हिंदी अनऑफिशियल डबिंग काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर अवेलेबल हो चुकी है। अगर आप इस मूवी की हिंदी अनऑफिशियल डब वर्जन को देखना चाहते हो तो आप बिल्कुल वेबसाइट्स पर जाकर देख सकते हो। बात करें इस मूवी के ऑफिशियल हिंदी डब वर्जन के बारे में तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इस मूवी की ऑफिशियल हिंदी डबिंग राइट्स को सूत्रों के मुताबिक गोल्डमैश टेलीफिल्म की तरफ से खरीदा गया है। तो दोस्तों इस मूवी को आने में काफ़ी थोड़ा वक्त ज़्यादा लग सकता है तो अब देखना यह होगा कि जब भी इस मूवी की ऑफिशियल रिलीज डेट अनाउंसमेंट होती है तो मैं आपको अगले वीडियो में हमारे चैनल पर बता दूंगा। बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में तो आशी वैष्णव तेज एक गरीब मछुआरे का बेटा है जिसे संगीता कृति शेट्टी से प्यार हो जाता है जो एक अमीर जमींदार रायनम विजय सेतुपति की बेटी है। दंपत्ति को प्यार हो जाता है लेकिन दो गांवों के बीच एक गंभीर समस्या कहानी को उल्टा कर देती है। यह देखकर कपल एक पागल कदम उठाता है और उनके जीवन की दिशा को काफ़ी हद तक बदल देता है। आगे की कहानी में क्या होता है इसके लिए यह मूवी आपको देखनी पड़ेगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इस मूवी की जो स्टोरी है काफ़ी गजब की और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और दोस्तों अगर आप साउथ की रोमांटिक मूवीज़ देखना पसंद करते हो तो यह फिल्म आपके लिए सबसे बेस्ट है। तो आप रोमांटिक फिल्में देखना पसंद करते हो साउथ की तो आपको यह मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। दोस्तों कुल मिलाकर उप्पेना एक प्रभावशाली स्टार कास्ट के साथ एक चलती फिरती प्रेम कहानी है। अद्भुत गीत, एक ताज़ा जोड़ी और किरकिरा नाटक इस फिल्म के लिए बुनियादी संपत्ति है। हालांकि कहानी थोड़ी नियमित है और सेकेंड हाफ के कुछ हिस्से अनुमानित हो जाते हैं। सभ्य वर्णन और कठिन चरमोत्कर्ष इस फिल्म को एक प्रभावशाली घड़ी बनाते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप इस मूवी को देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर तेलुगु लैंग्वेज में इंग्लिश हिंदी सबटाइटल्स के साथ। और अगर आप इस मूवी को अनऑफिशियली हिंदी डब वर्जन में देखना चाहते हो तो आप बिल्कुल वेबसाइट्स पर जाकर देख सकते हो। दोस्तों जैसे इस मूवी की ऑफिशियल हिंदी डबिंग से जुड़ी और भी कोई जानकारी सामने आती है तो मैं आपको अगले वीडियो में हमारे चैनल पर बता दूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।
दोस्तों अगर आप साल 2021 में रिलीज हुई तेलुगु इंडस्ट्री की ब्लॉकबस्टर मूवी उप्पेना को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं उप्पेना मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में। दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताया हूं और इस मूवी का गजब का रिव्यू भी दिया हूँ। तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बात करें इस मूवी के बारे में तो 12 फरवरी 2021 को रिलीज हुई तेलुगु भाषा की ड्रामा रोमांटिक मूवी उप्पेना। इस मूवी को डायरेक्ट किया है बूची बाबू शर्मा ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो वैष्णव तेज, कीर्ति शेट्टी, विजय सेतुपति, गायत्री जयरमन, मामिल्ला साई चंद, राजीव खनकला, महादेवन, जय कृष्णा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 6.8 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों इस मूवी का बजट 22 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का कारोबार किया था। दोस्तों यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। मैं आपको बता दूं दोस्तों इस मूवी को ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से पॉजिटिव रिव्यूज मिले थे और दोस्तों इस मूवी को एक सुपर डुपर हिट करार दिया गया था। दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं दोस्तों यह मूवी सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद इस मूवी का थिएटर प्रीमियर होने के बाद इस मूवी का डिजिटल प्रीमियर हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिला है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिली है सिर्फ और सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज में इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ। तो दोस्तों आप इस मूवी को तेलुगु लैंग्वेज में इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ नेटफ्लिक्स पर। जी हाँ दोस्तों आप नेटफ्लिक्स पर इस मूवी को तेलुगु लैंग्वेज में देख सकते हो। बात करें इस मूवी के हिंदी डब वर्जन के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की हिंदी अनऑफिशियल डबिंग काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर अवेलेबल हो चुकी है। अगर आप इस मूवी की हिंदी अनऑफिशियल डब वर्जन को देखना चाहते हो तो आप बिल्कुल वेबसाइट्स पर जाकर देख सकते हो। बात करें इस मूवी के ऑफिशियल हिंदी डब वर्जन के बारे में तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इस मूवी की ऑफिशियल हिंदी डबिंग राइट्स को सूत्रों के मुताबिक गोल्डमाइंस टेलीफिल्म की तरफ से खरीदा गया है। तो दोस्तों इस मूवी को आने में काफ़ी थोड़ा वक्त ज़्यादा लग सकता है तो अब देखना यह होगा कि जब भी इस मूवी की ऑफिशियल रिलीज डेट अनाउंसमेंट होती है तो मैं आपको अगले वीडियो में हमारे चैनल पर बता दूंगा। बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में तो आशी वैष्णव तेज एक गरीब मछुआरे का बेटा है जिसे संगीता कृति शेट्टी से प्यार हो जाता है जो एक अमीर जमींदार रायनम विजय सेतुपति की बेटी है। दंपत्ति को प्यार हो जाता है लेकिन दो गांवों के बीच एक गंभीर समस्या कहानी को उल्टा कर देती है। यह देखकर कपल एक पागल कदम उठाता है और उनके जीवन की दिशा को काफ़ी हद तक बदल देता है। आगे की कहानी में क्या होता है इसके लिए यह मूवी आपको देखनी पड़ेगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इस मूवी की जो स्टोरी है काफ़ी गजब की और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और दोस्तों अगर आप साउथ की रोमांटिक मूवीज़ देखना पसंद करते हो तो यह फिल्म आपके लिए सबसे बेस्ट है। तो आप रोमांटिक फिल्में देखना पसंद करते हो साउथ की तो आपको यह मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। दोस्तों कुल मिलाकर उप्पेना एक प्रभावशाली स्टार कास्ट के साथ एक चलती फिरती प्रेम कहानी है। अद्भुत गीत, एक ताज़ा जोड़ी और किरकिरा नाटक इस फिल्म के लिए बुनियादी संपत्ति है। हालांकि कहानी थोड़ी नियमित है और सेकेंड हाफ के कुछ हिस्से अनुमानित हो जाते हैं। सभ्य वर्णन और कठिन चरमोत्कर्ष इस फिल्म को एक प्रभावशाली घड़ी बनाते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप इस मूवी को देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर तेलुगु लैंग्वेज में इंग्लिश हिंदी सबटाइटल्स के साथ। और अगर आप इस मूवी को अनऑफिशियली हिंदी डब वर्जन में देखना चाहते हो तो आप बिल्कुल वेबसाइट्स पर जाकर देख सकते हो। दोस्तों जैसे इस मूवी की ऑफिशियल हिंदी डबिंग से जुड़ी और भी कोई जानकारी सामने आती है तो मैं आपको अगले वीडियो में हमारे चैनल पर बता दूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।
दोस्तों अगर आप साल 2021 में रिलीज हुई तेलुगु इंडस्ट्री की ब्लॉकबस्टर मूवी उप्पेना को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं उप्पेना मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में। दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताया हूं और इस मूवी का गजब का रिव्यू भी दिया हूँ। तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बात करें इस मूवी के बारे में तो 12 फरवरी 2021 को रिलीज हुई तेलुगु भाषा की ड्रामा रोमांटिक मूवी उप्पेना। इस मूवी को डायरेक्ट किया है बूची बाबू शना ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो वैष्णव तेज, कीर्ति शेट्टी, विजय सेतुपति, गायत्री जयरमन, मामिल्ला साई चंद, राजीव कनकला, महादेवन, जय कृष्णा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को आईएमडीबी पर 10 में से 6.8 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों इस मूवी का बजट 22 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का कारोबार किया था। दोस्तों यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। मैं आपको बता दूं दोस्तों इस मूवी को ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से पॉजिटिव रिव्यूज मिले थे और दोस्तों इस मूवी को एक सुपर डुपर हिट करार दिया गया था। दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं दोस्तों यह मूवी सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद इस मूवी का थिएटर प्रीमियर होने के बाद इस मूवी का डिजिटल प्रीमियर हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिला है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिली है सिर्फ और सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज में इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ। तो दोस्तों आप इस मूवी को तेलुगु लैंग्वेज में इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ नेटफ्लिक्स पर। जी हाँ दोस्तों आप नेटफ्लिक्स पर इस मूवी को तेलुगु लैंग्वेज में देख सकते हो। बात करें इस मूवी के हिंदी डब वर्जन के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की हिंदी अनऑफिशियल डबिंग काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर अवेलेबल हो चुकी है। अगर आप इस मूवी की हिंदी अनऑफिशियल डब वर्जन को देखना चाहते हो तो आप बिल्कुल वेबसाइट्स पर जाकर देख सकते हो। बात करें इस मूवी के ऑफिशियल हिंदी डब वर्जन के बारे में तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इस मूवी की ऑफिशियल हिंदी डबिंग राइट्स को सूत्रों के मुताबिक गोल्डमैश टेलीफिल्म की तरफ से खरीदा गया है। तो दोस्तों इस मूवी को आने में काफ़ी थोड़ा वक्त ज़्यादा लग सकता है तो अब देखना यह होगा कि जब भी इस मूवी की ऑफिशियल रिलीज डेट अनाउंसमेंट होती है तो मैं आपको अगले वीडियो में हमारे चैनल पर बता दूंगा। बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में तो आशी वैष्णव तेज एक गरीब मछुआरे का बेटा है जिसे संगीता कृति शेट्टी से प्यार हो जाता है जो एक अमीर जमींदार रायनम विजय सेतुपति की बेटी है। दंपत्ति को प्यार हो जाता है लेकिन दो गांवों के बीच एक गंभीर समस्या कहानी को उल्टा कर देती है। यह देखकर कपल एक पागल कदम उठाता है और उनके जीवन की दिशा को काफ़ी हद तक बदल देता है। आगे की कहानी में क्या होता है इसके लिए यह मूवी आपको देखनी पड़ेगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इस मूवी की जो स्टोरी है काफ़ी गजब की और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और दोस्तों अगर आप साउथ की रोमांटिक मूवीज़ देखना पसंद करते हो तो यह फिल्म आपके लिए सबसे बेस्ट है। तो आप रोमांटिक फिल्में देखना पसंद करते हो साउथ की तो आपको यह मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। दोस्तों कुल मिलाकर उप्पेना एक प्रभावशाली स्टार कास्ट के साथ एक चलती फिरती प्रेम कहानी है। अद्भुत गीत, एक ताज़ा जोड़ी और किरकिरा नाटक इस फिल्म के लिए बुनियादी संपत्ति है। हालांकि कहानी थोड़ी नियमित है और सेकेंड हाफ के कुछ हिस्से अनुमानित हो जाते हैं। सभ्य वर्णन और कठिन चरमोत्कर्ष इस फिल्म को एक प्रभावशाली घड़ी बनाते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप इस मूवी को देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर तेलुगु लैंग्वेज में इंग्लिश हिंदी सबटाइटल्स के साथ। और अगर आप इस मूवी को अनऑफिशियली हिंदी डब वर्जन में देखना चाहते हो तो आप बिल्कुल वेबसाइट्स पर जाकर देख सकते हो। दोस्तों जैसे इस मूवी की ऑफिशियल हिंदी डबिंग से जुड़ी और भी कोई जानकारी सामने आती है तो मैं आपको अगले वीडियो में हमारे चैनल पर बता दूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।
दोस्तों अगर आप साल 2021 में रिलीज हुई तेलुगु इंडस्ट्री की ब्लॉकबस्टर मूवी उप्पेना को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं उप्पेना मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में। दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताया हूं और इस मूवी का गजब का रिव्यू भी दिया हूं। तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बात करें इस मूवी के बारे में तो 12 फरवरी 2021 को रिलीज हुई तेलुगु भाषा की ड्रामा रोमांटिक मूवी उप्पेना। इस मूवी को डायरेक्ट किया है बूची बाबू शना ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो वैष्णव तेज, कीर्ति शेट्टी, विजय सेतुपति, गायत्री जयरमन, मामिल्ला, साई चंद, राजीव कनकला, महादेवन, जय कृष्णा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDb पर 10 में से 6.8 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों इस मूवी का बजट 22 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का कारोबार किया था। दोस्तों यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। मैं आपको बता दूं दोस्तों इस मूवी को ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से पॉजिटिव रिव्यूज मिले थे और दोस्तों इस मूवी को एक सुपर डुपर हिट करार दिया गया था। दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं दोस्तों यह मूवी सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद इस मूवी का थिएटर प्रीमियर होने के बाद इस मूवी का डिजिटल प्रीमियर हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिला है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिली है सिर्फ और सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज में इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ। तो दोस्तों आप इस मूवी को तेलुगु लैंग्वेज में इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ नेटफ्लिक्स पर। जी हाँ दोस्तों आप नेटफ्लिक्स पर इस मूवी को तेलुगु लैंग्वेज में देख सकते हो। बात करें इस मूवी के हिंदी डब वर्जन के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की हिंदी अनऑफिशियल डबिंग काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर अवेलेबल हो चुकी है। अगर आप इस मूवी की हिंदी अनऑफिशियल डब वर्जन को देखना चाहते हो तो आप बिल्कुल वेबसाइट्स पर जाकर देख सकते हो। बात करें इस मूवी के ऑफिशियल हिंदी डब वर्जन के बारे में तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इस मूवी की ऑफिशियल हिंदी डबिंग राइट्स को सूत्रों के मुताबिक गोल्डमैश टेलीफिल्म की तरफ से खरीदा गया है। तो दोस्तों इस मूवी को आने में काफ़ी थोड़ा वक्त ज़्यादा लग सकता है तो अब देखना यह होगा कि जब भी इस मूवी की ऑफिशियल रिलीज डेट अनाउंसमेंट होती है तो मैं आपको अगले वीडियो में हमारे चैनल पर बता दूंगा। बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में तो आशी वैष्णव तेज एक गरीब मछुआरे का बेटा है जिसे संगीता कृति शेट्टी से प्यार हो जाता है जो एक अमीर जमींदार रायनम विजय सेतुपति की बेटी है। दंपत्ति को प्यार हो जाता है लेकिन दो गांवों के बीच एक गंभीर समस्या कहानी को उल्टा कर देती है। यह देखकर कपल एक पागल कदम उठाता है और उनके जीवन की दिशा को काफ़ी हद तक बदल देता है। आगे की कहानी में क्या होता है इसके लिए यह मूवी आपको देखनी पड़ेगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इस मूवी की जो स्टोरी है काफ़ी गजब की और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और दोस्तों अगर आप साउथ की रोमांटिक मूवीज़ देखना पसंद करते हो तो यह फिल्म आपके लिए सबसे बेस्ट है। तो आप रोमांटिक फिल्में देखना पसंद करते हो साउथ की तो आपको यह मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। दोस्तों कुल मिलाकर उप्पेना एक प्रभावशाली स्टार कास्ट के साथ एक चलती फिरती प्रेम कहानी है। अद्भुत गीत, एक ताज़ा जोड़ी और किरकिरा नाटक इस फिल्म के लिए बुनियादी संपत्ति है। हालांकि कहानी थोड़ी नियमित है और सेकेंड हाफ के कुछ हिस्से अनुमानित हो जाते हैं। सभ्य वर्णन और कठिन चरमोत्कर्ष इस फिल्म को एक प्रभावशाली घड़ी बनाते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप इस मूवी को देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर तेलुगु लैंग्वेज में इंग्लिश हिंदी सबटाइटल्स के साथ। और अगर आप इस मूवी को अनऑफिशियली हिंदी डब वर्जन में देखना चाहते हो तो आप बिल्कुल वेबसाइट्स पर जाकर देख सकते हो। दोस्तों जैसे इस मूवी की ऑफिशियल हिंदी डबिंग से जुड़ी और भी कोई जानकारी सामने आती है तो मैं आपको अगले वीडियो में हमारे चैनल पर बता दूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।
दोस्तों, अगर आप साल 2021 में रिलीज हुई तेलुगु इंडस्ट्री की ब्लॉकबस्टर मूवी उप्पेना को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं उप्पेना मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में। दोस्तों, यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताया हूं और इस मूवी का गजब का रिव्यू भी दिया हूं। तो दोस्तों, यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बात करें इस मूवी के बारे में तो 12 फरवरी 2021 को रिलीज हुई तेलुगु भाषा की ड्रामा रोमांटिक मूवी उप्पेना। इस मूवी को डायरेक्ट किया है बूची बाबू शर्मा ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो वैष्णव तेज, कीर्ति शेट्टी, विजय सेतुपति, गायत्री जयरमन, मामिल्ला साई चंद, राजीव कनकला, महादेवन, जय कृष्णा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 6.8 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों, इस मूवी का बजट 22 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का कारोबार किया था। दोस्तों, यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस मूवी को ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से पॉजिटिव रिव्यूज मिले थे और दोस्तों, इस मूवी को एक सुपर डुपर हिट करार दिया गया था। दोस्तों, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, यह मूवी सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद इस मूवी का थिएटर प्रीमियर होने के बाद इस मूवी का डिजिटल प्रीमियर हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिला है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिली है सिर्फ और सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज में इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ। तो दोस्तों, आप इस मूवी को तेलुगु लैंग्वेज में इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ नेटफ्लिक्स पर। जी हाँ दोस्तों, आप नेटफ्लिक्स पर इस मूवी को तेलुगु लैंग्वेज में देख सकते हो। बात करें इस मूवी के हिंदी डब वर्जन के बारे में तो दोस्तों, इस मूवी की हिंदी अनऑफिशियल डबिंग काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर अवेलेबल हो चुकी है। अगर आप इस मूवी की हिंदी अनऑफिशियल डब वर्जन को देखना चाहते हो तो आप बिल्कुल वेबसाइट्स पर जाकर देख सकते हो। बात करें इस मूवी के ऑफिशियल हिंदी डब वर्जन के बारे में तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस मूवी की ऑफिशियल हिंदी डबिंग राइट्स को सूत्रों के मुताबिक गोल्डमैश टेलीफिल्म की तरफ से खरीदा गया है। तो दोस्तों, इस मूवी को आने में काफ़ी थोड़ा वक्त ज़्यादा लग सकता है, तो अब देखना यह होगा कि जब भी इस मूवी की ऑफिशियल रिलीज डेट अनाउंसमेंट होती है तो मैं आपको अगले वीडियो में हमारे चैनल पर बता दूंगा। बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में तो आशी वैष्णव तेज एक गरीब मछुआरे का बेटा है जिसे संगीता कृति शेट्टी से प्यार हो जाता है, जो एक अमीर जमींदार रायनम विजय सेतुपति की बेटी है। दंपत्ति को प्यार हो जाता है लेकिन दो गांवों के बीच एक गंभीर समस्या कहानी को उल्टा कर देती है। यह देखकर कपल एक पागल कदम उठाता है और उनके जीवन की दिशा को काफ़ी हद तक बदल देता है। आगे की कहानी में क्या होता है इसके लिए यह मूवी आपको देखनी पड़ेगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस मूवी की जो स्टोरी है काफ़ी गजब की और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और दोस्तों, अगर आप साउथ की रोमांटिक मूवीज़ देखना पसंद करते हो तो यह फिल्म आपके लिए सबसे बेस्ट है। तो आप रोमांटिक फिल्में देखना पसंद करते हो साउथ की, तो आपको यह मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। दोस्तों, कुल मिलाकर उप्पेना एक प्रभावशाली स्टार कास्ट के साथ एक चलती फिरती प्रेम कहानी है। अद्भुत गीत, एक ताज़ा जोड़ी और किरकिरा नाटक इस फिल्म के लिए बुनियादी संपत्ति है। हालांकि कहानी थोड़ी नियमित है और सेकेंड हाफ के कुछ हिस्से अनुमानित हो जाते हैं। सभ्य वर्णन और कठिन चरमोत्कर्ष इस फिल्म को एक प्रभावशाली घड़ी बनाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप इस मूवी को देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर तेलुगु लैंग्वेज में इंग्लिश हिंदी सबटाइटल्स के साथ। और अगर आप इस मूवी को अनऑफिशियली हिंदी डब वर्जन में देखना चाहते हो तो आप बिल्कुल वेबसाइट्स पर जाकर देख सकते हो। दोस्तों, जैसे इस मूवी की ऑफिशियल हिंदी डबिंग से जुड़ी और भी कोई जानकारी सामने आती है तो मैं आपको अगले वीडियो में हमारे चैनल पर बता दूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।
दोस्तों अगर आप साल 2021 में रिलीज हुई तेलुगु इंडस्ट्री की ब्लॉकबस्टर मूवी उप्पेना को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं उप्पेना मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में। दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताया हूं और इस मूवी का गजब का रिव्यू भी दिया हूँ। तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बात करें इस मूवी के बारे में तो 12 फरवरी 2021 को रिलीज हुई तेलुगु भाषा की ड्रामा रोमांटिक मूवी उप्पेना। इस मूवी को डायरेक्ट किया है बूची बाबू शना ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो वैष्णव तेज, कीर्ति शेट्टी, विजय सेतुपति, गायत्री जयरमन, मामिल्ला साई चंद, राजीव कनकला, महादेवन, जय कृष्णा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को आईएमडीबी पर 10 में से 6.8 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों इस मूवी का बजट 22 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का कारोबार किया था। दोस्तों यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। मैं आपको बता दूं दोस्तों इस मूवी को ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से पॉजिटिव रिव्यूज मिले थे और दोस्तों इस मूवी को एक सुपर डुपर हिट करार दिया गया था। दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं दोस्तों यह मूवी सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद इस मूवी का थिएटर प्रीमियर होने के बाद इस मूवी का डिजिटल प्रीमियर हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिला है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिली है सिर्फ और सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज में इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ। तो दोस्तों आप इस मूवी को तेलुगु लैंग्वेज में इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ नेटफ्लिक्स पर। जी हाँ दोस्तों आप नेटफ्लिक्स पर इस मूवी को तेलुगु लैंग्वेज में देख सकते हो। बात करें इस मूवी के हिंदी डब वर्जन के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की हिंदी अनऑफिशियल डबिंग काफी सारी वेबसाइट्स पर अवेलेबल हो चुकी है। अगर आप इस मूवी की हिंदी अनऑफिशियल डब वर्जन को देखना चाहते हो तो आप बिल्कुल वेबसाइट्स पर जाकर देख सकते हो। बात करें इस मूवी के ऑफिशियल हिंदी डब वर्जन के बारे में तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इस मूवी की ऑफिशियल हिंदी डबिंग राइट्स को सूत्रों के मुताबिक गोल्डमैश टेलीफिल्म की तरफ से खरीदा गया है। तो दोस्तों इस मूवी को आने में काफी थोड़ा वक्त ज्यादा लग सकता है, तो अब देखना यह होगा कि जब भी इस मूवी की ऑफिशियल रिलीज डेट अनाउंसमेंट होती है तो मैं आपको अगले वीडियो में हमारे चैनल पर बता दूंगा। बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में तो आशी वैष्णव तेज एक गरीब मछुआरे का बेटा है जिसे संगीता कृति शेट्टी से प्यार हो जाता है जो एक अमीर जमींदार रायनम विजय सेतुपति की बेटी है। दंपत्ति को प्यार हो जाता है लेकिन दो गांवों के बीच एक गंभीर समस्या कहानी को उल्टा कर देती है। यह देखकर कपल एक पागल कदम उठाता है और उनके जीवन की दिशा को काफ़ी हद तक बदल देता है। आगे की कहानी में क्या होता है इसके लिए यह मूवी आपको देखनी पड़ेगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इस मूवी की जो स्टोरी है काफ़ी गजब की और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और दोस्तों अगर आप साउथ की रोमांटिक मूवीज़ देखना पसंद करते हो तो यह फिल्म आपके लिए सबसे बेस्ट है। तो आप रोमांटिक फिल्में देखना पसंद करते हो साउथ की तो आपको यह मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। दोस्तों कुल मिलाकर उप्पेना एक प्रभावशाली स्टार कास्ट के साथ एक चलती फिरती प्रेम कहानी है। अद्भुत गीत, एक ताज़ा जोड़ी और किरकिरा नाटक इस फिल्म के लिए बुनियादी संपत्ति है। हालांकि कहानी थोड़ी नियमित है और सेकेंड हाफ के कुछ हिस्से अनुमानित हो जाते हैं। सभ्य वर्णन और कठिन चरमोत्कर्ष इस फिल्म को एक प्रभावशाली घड़ी बनाते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप इस मूवी को देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर तेलुगु लैंग्वेज में इंग्लिश हिंदी सबटाइटल्स के साथ। और अगर आप इस मूवी को अनऑफिशियली हिंदी डब वर्जन में देखना चाहते हो तो आप बिल्कुल वेबसाइट्स पर जाकर देख सकते हो। दोस्तों जैसे इस मूवी की ऑफिशियल हिंदी डबिंग से जुड़ी और भी कोई जानकारी सामने आती है तो मैं आपको अगले वीडियो में हमारे चैनल पर बता दूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।
दोस्तों अगर आप साल 2021 में रिलीज हुई तेलुगु इंडस्ट्री की ब्लॉकबस्टर मूवी उप्पेना को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं उप्पेना मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में। दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताया हूं और इस मूवी का गजब का रिव्यू भी दिया हूं। तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बात करें इस मूवी के बारे में तो 12 फरवरी 2021 को रिलीज हुई तेलुगु भाषा की ड्रामा रोमांटिक मूवी उप्पेना। इस मूवी को डायरेक्ट किया है बूची बाबू शना ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो वैष्णव तेज, कीर्ति शेट्टी, विजय सेतुपति, गायत्री जयरमन, मामिल्ला, साई चंद, राजीव खनकला, महादेवन, जय कृष्णा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDb पर 10 में से 6.8 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों इस मूवी का बजट 22 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का कारोबार किया था। दोस्तों यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। मैं आपको बता दूं दोस्तों इस मूवी को ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से पॉजिटिव रिव्यूज मिले थे और दोस्तों इस मूवी को एक सुपर डुपर हिट करार दिया गया था। दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं दोस्तों यह मूवी सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद इस मूवी का थिएटर प्रीमियर होने के बाद इस मूवी का डिजिटल प्रीमियर हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिला है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिली है सिर्फ और सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज में इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ। तो दोस्तों आप इस मूवी को तेलुगु लैंग्वेज में इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ नेटफ्लिक्स पर। जी हाँ दोस्तों आप नेटफ्लिक्स पर इस मूवी को तेलुगु लैंग्वेज में देख सकते हो। बात करें इस मूवी के हिंदी डब वर्जन के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की हिंदी अनऑफिशियल डबिंग काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर अवेलेबल हो चुकी है। अगर आप इस मूवी की हिंदी अनऑफिशियल डब वर्जन को देखना चाहते हो तो आप बिल्कुल वेबसाइट्स पर जाकर देख सकते हो। बात करें इस मूवी के ऑफिशियल हिंदी डब वर्जन के बारे में तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इस मूवी की ऑफिशियल हिंदी डबिंग राइट्स को सूत्रों के मुताबिक गोल्डमैश टेलीफिल्म की तरफ से खरीदा गया है। तो दोस्तों इस मूवी को आने में काफ़ी थोड़ा वक्त ज़्यादा लग सकता है तो अब देखना यह होगा कि जब भी इस मूवी की ऑफिशियल रिलीज डेट अनाउंसमेंट होती है तो मैं आपको अगले वीडियो में हमारे चैनल पर बता दूंगा। बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में तो आशी वैष्णव तेज एक गरीब मछुआरे का बेटा है जिसे संगीता कृति शेट्टी से प्यार हो जाता है जो एक अमीर जमींदार रायनम विजय सेतुपति की बेटी है। दंपत्ति को प्यार हो जाता है लेकिन दो गांवों के बीच एक गंभीर समस्या कहानी को उल्टा कर देती है। यह देखकर कपल एक पागल कदम उठाता है और उनके जीवन की दिशा को काफ़ी हद तक बदल देता है। आगे की कहानी में क्या होता है इसके लिए यह मूवी आपको देखनी पड़ेगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इस मूवी की जो स्टोरी है काफ़ी गजब की और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और दोस्तों अगर आप साउथ की रोमांटिक मूवीज़ देखना पसंद करते हो तो यह फिल्म आपके लिए सबसे बेस्ट है। तो आप रोमांटिक फिल्में देखना पसंद करते हो साउथ की तो आपको यह मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। दोस्तों कुल मिलाकर उप्पेना एक प्रभावशाली स्टार कास्ट के साथ एक चलती फिरती प्रेम कहानी है। अद्भुत गीत, एक ताज़ा जोड़ी और किरकिरा नाटक इस फिल्म के लिए बुनियादी संपत्ति है। हालांकि कहानी थोड़ी नियमित है और सेकेंड हाफ के कुछ हिस्से अनुमानित हो जाते हैं। सभ्य वर्णन और कठिन चरमोत्कर्ष इस फिल्म को एक प्रभावशाली घड़ी बनाते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप इस मूवी को देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर तेलुगु लैंग्वेज में इंग्लिश हिंदी सबटाइटल्स के साथ। और अगर आप इस मूवी को अनऑफिशियली हिंदी डब वर्जन में देखना चाहते हो तो आप बिल्कुल वेबसाइट्स पर जाकर देख सकते हो। दोस्तों जैसे इस मूवी की ऑफिशियल हिंदी डबिंग से जुड़ी और भी कोई जानकारी सामने आती है तो मैं आपको अगले वीडियो में हमारे चैनल पर बता दूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।
दोस्तों अगर आप साल 2021 में रिलीज हुई तेलुगु इंडस्ट्री की ब्लॉकबस्टर मूवी उप्पेना को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं उप्पेना मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में। दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताया हूं और इस मूवी का गजब का रिव्यू भी दिया हूँ। तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बात करें इस मूवी के बारे में तो 12 फरवरी 2021 को रिलीज हुई तेलुगु भाषा की ड्रामा रोमांटिक मूवी उप्पेना। इस मूवी को डायरेक्ट किया है बूची बाबू शना ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो वैष्णव तेज, कीर्ति शेट्टी, विजय सेतुपति, गायत्री जयरमन, मामिल्ला, साई चंद, राजीव कनकला, महादेवन, जय कृष्णा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 6.8 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों इस मूवी का बजट 22 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का कारोबार किया था। दोस्तों यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। मैं आपको बता दूं दोस्तों इस मूवी को ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से पॉजिटिव रिव्यूज मिले थे और दोस्तों इस मूवी को एक सुपर डुपर हिट करार दिया गया था। दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं दोस्तों यह मूवी सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद इस मूवी का थिएटर प्रीमियर होने के बाद इस मूवी का डिजिटल प्रीमियर हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिला है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिली है सिर्फ और सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज में इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ। तो दोस्तों आप इस मूवी को तेलुगु लैंग्वेज में इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ नेटफ्लिक्स पर। जी हाँ दोस्तों आप नेटफ्लिक्स पर इस मूवी को तेलुगु लैंग्वेज में देख सकते हो। बात करें इस मूवी के हिंदी डब वर्जन के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की हिंदी अनऑफिशियल डबिंग काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर अवेलेबल हो चुकी है। अगर आप इस मूवी की हिंदी अनऑफिशियल डब वर्जन को देखना चाहते हो तो आप बिल्कुल वेबसाइट्स पर जाकर देख सकते हो। बात करें इस मूवी के ऑफिशियल हिंदी डब वर्जन के बारे में तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इस मूवी की ऑफिशियल हिंदी डबिंग राइट्स को सूत्रों के मुताबिक गोल्डमैश टेलीफिल्म की तरफ से खरीदा गया है। तो दोस्तों इस मूवी को आने में काफ़ी थोड़ा वक्त ज़्यादा लग सकता है तो अब देखना यह होगा कि जब भी इस मूवी की ऑफिशियल रिलीज डेट अनाउंसमेंट होती है तो मैं आपको अगले वीडियो में हमारे चैनल पर बता दूंगा। बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में तो आशी वैष्णव तेज एक गरीब मछुआरे का बेटा है जिसे संगीता कृति शेट्टी से प्यार हो जाता है जो एक अमीर जमींदार रायनम विजय सेतुपति की बेटी है। दंपत्ति को प्यार हो जाता है लेकिन दो गांवों के बीच एक गंभीर समस्या कहानी को उल्टा कर देती है। यह देखकर कपल एक पागल कदम उठाता है और उनके जीवन की दिशा को काफ़ी हद तक बदल देता है। आगे की कहानी में क्या होता है इसके लिए यह मूवी आपको देखनी पड़ेगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इस मूवी की जो स्टोरी है काफ़ी गजब की और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और दोस्तों अगर आप साउथ की रोमांटिक मूवीज़ देखना पसंद करते हो तो यह फिल्म आपके लिए सबसे बेस्ट है। तो आप रोमांटिक फिल्में देखना पसंद करते हो साउथ की तो आपको यह मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। दोस्तों कुल मिलाकर उप्पेना एक प्रभावशाली स्टार कास्ट के साथ एक चलती फिरती प्रेम कहानी है। अद्भुत गीत, एक ताज़ा जोड़ी और किरकिरा नाटक इस फिल्म के लिए बुनियादी संपत्ति है। हालांकि कहानी थोड़ी नियमित है और सेकेंड हाफ के कुछ हिस्से अनुमानित हो जाते हैं। सभ्य वर्णन और कठिन चरमोत्कर्ष इस फिल्म को एक प्रभावशाली घड़ी बनाते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप इस मूवी को देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर तेलुगु लैंग्वेज में इंग्लिश हिंदी सबटाइटल्स के साथ। और अगर आप इस मूवी को अनऑफिशियली हिंदी डब वर्जन में देखना चाहते हो तो आप बिल्कुल वेबसाइट्स पर जाकर देख सकते हो। दोस्तों जैसे इस मूवी की ऑफिशियल हिंदी डबिंग से जुड़ी और भी कोई जानकारी सामने आती है तो मैं आपको अगले वीडियो में हमारे चैनल पर बता दूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।
दोस्तों अगर आप साल 2021 में रिलीज हुई तेलुगु इंडस्ट्री की ब्लॉकबस्टर मूवी उप्पेना को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं उप्पेना मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में। दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताया हूं और इस मूवी का गजब का रिव्यू भी दिया हूँ। तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बात करें इस मूवी के बारे में तो 12 फरवरी 2021 को रिलीज हुई तेलुगु भाषा की ड्रामा रोमांटिक मूवी उप्पेना। इस मूवी को डायरेक्ट किया है बूची बाबू शना ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो वैष्णव तेज, कीर्ति शेट्टी, विजय सेतुपति, गायत्री जयरमन, मामिल्ला साई चंद, राजीव कनकला, महादेवन, जय कृष्णा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को आईएमडीबी पर 10 में से 6.8 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों इस मूवी का बजट 22 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का कारोबार किया था। दोस्तों यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। मैं आपको बता दूं दोस्तों इस मूवी को ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से पॉजिटिव रिव्यूज मिले थे और दोस्तों इस मूवी को एक सुपर डुपर हिट करार दिया गया था। दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं दोस्तों यह मूवी सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद इस मूवी का थिएटर प्रीमियर होने के बाद इस मूवी का डिजिटल प्रीमियर हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिला है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिली है सिर्फ और सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज में इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ। तो दोस्तों आप इस मूवी को तेलुगु लैंग्वेज में इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ नेटफ्लिक्स पर। जी हाँ दोस्तों आप नेटफ्लिक्स पर इस मूवी को तेलुगु लैंग्वेज में देख सकते हो। बात करें इस मूवी के हिंदी डब वर्जन के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की हिंदी अनऑफिशियल डबिंग काफी सारी वेबसाइट्स पर अवेलेबल हो चुकी है। अगर आप इस मूवी की हिंदी अनऑफिशियल डब वर्जन को देखना चाहते हो तो आप बिल्कुल वेबसाइट्स पर जाकर देख सकते हो। बात करें इस मूवी के ऑफिशियल हिंदी डब वर्जन के बारे में तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इस मूवी की ऑफिशियल हिंदी डबिंग राइट्स को सूत्रों के मुताबिक गोल्डमैश टेलीफिल्म की तरफ से खरीदा गया है। तो दोस्तों इस मूवी को आने में काफी थोड़ा वक्त ज्यादा लग सकता है, तो अब देखना यह होगा कि जब भी इस मूवी की ऑफिशियल रिलीज डेट अनाउंसमेंट होती है तो मैं आपको अगले वीडियो में हमारे चैनल पर बता दूंगा। बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में तो आशी वैष्णव तेज एक गरीब मछुआरे का बेटा है जिसे संगीता कृति शेट्टी से प्यार हो जाता है जो एक अमीर जमींदार रायनम विजय सेतुपति की बेटी है। दंपत्ति को प्यार हो जाता है लेकिन दो गांवों के बीच एक गंभीर समस्या कहानी को उल्टा कर देती है। यह देखकर कपल एक पागल कदम उठाता है और उनके जीवन की दिशा को काफ़ी हद तक बदल देता है। आगे की कहानी में क्या होता है इसके लिए यह मूवी आपको देखनी पड़ेगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इस मूवी की जो स्टोरी है काफ़ी गजब की और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और दोस्तों अगर आप साउथ की रोमांटिक मूवीज़ देखना पसंद करते हो तो यह फिल्म आपके लिए सबसे बेस्ट है। तो आप रोमांटिक फिल्में देखना पसंद करते हो साउथ की तो आपको यह मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। दोस्तों कुल मिलाकर उप्पेना एक प्रभावशाली स्टार कास्ट के साथ एक चलती फिरती प्रेम कहानी है। अद्भुत गीत, एक ताज़ा जोड़ी और किरकिरा नाटक इस फिल्म के लिए बुनियादी संपत्ति है। हालांकि कहानी थोड़ी नियमित है और सेकेंड हाफ के कुछ हिस्से अनुमानित हो जाते हैं। सभ्य वर्णन और कठिन चरमोत्कर्ष इस फिल्म को एक प्रभावशाली घड़ी बनाते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप इस मूवी को देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर तेलुगु लैंग्वेज में इंग्लिश हिंदी सबटाइटल्स के साथ। और अगर आप इस मूवी को अनऑफिशियली हिंदी डब वर्जन में देखना चाहते हो तो आप बिल्कुल वेबसाइट्स पर जाकर देख सकते हो। दोस्तों जैसे इस मूवी की ऑफिशियल हिंदी डबिंग से जुड़ी और भी कोई जानकारी सामने आती है तो मैं आपको अगले वीडियो में हमारे चैनल पर बता दूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।
दोस्तों अगर आप साल 2021 में रिलीज हुई तेलुगु इंडस्ट्री की ब्लॉकबस्टर मूवी उप्पेना को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं उप्पेना मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में। दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताया हूं और इस मूवी का गजब का रिव्यू भी दिया हूं। तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बात करें इस मूवी के बारे में तो 12 फरवरी 2021 को रिलीज हुई तेलुगु भाषा की ड्रामा रोमांटिक मूवी उप्पेना। इस मूवी को डायरेक्ट किया है बूची बाबू शना ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो वैष्णव तेज, कीर्ति शेट्टी, विजय सेतुपति, गायत्री जयरमन, मामिल्ला, साई चंद, राजीव कनकला, महादेवन, जय कृष्णा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDb पर 10 में से 6.8 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों इस मूवी का बजट 22 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का कारोबार किया था। दोस्तों यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। मैं आपको बता दूं दोस्तों इस मूवी को ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से पॉजिटिव रिव्यूज मिले थे और दोस्तों इस मूवी को एक सुपर डुपर हिट करार दिया गया था। दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं दोस्तों यह मूवी सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद इस मूवी का थिएटर प्रीमियर होने के बाद इस मूवी का डिजिटल प्रीमियर हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिला है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिली है सिर्फ और सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज में इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ। तो दोस्तों आप इस मूवी को तेलुगु लैंग्वेज में इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ नेटफ्लिक्स पर। जी हाँ दोस्तों आप नेटफ्लिक्स पर इस मूवी को तेलुगु लैंग्वेज में देख सकते हो। बात करें इस मूवी के हिंदी डब वर्जन के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की हिंदी अनऑफिशियल डबिंग काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर अवेलेबल हो चुकी है। अगर आप इस मूवी की हिंदी अनऑफिशियल डब वर्जन को देखना चाहते हो तो आप बिल्कुल वेबसाइट्स पर जाकर देख सकते हो। बात करें इस मूवी के ऑफिशियल हिंदी डब वर्जन के बारे में तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इस मूवी की ऑफिशियल हिंदी डबिंग राइट्स को सूत्रों के मुताबिक गोल्डमैश टेलीफिल्म की तरफ से खरीदा गया है। तो दोस्तों इस मूवी को आने में काफ़ी थोड़ा वक्त ज़्यादा लग सकता है तो अब देखना यह होगा कि जब भी इस मूवी की ऑफिशियल रिलीज डेट अनाउंसमेंट होती है तो मैं आपको अगले वीडियो में हमारे चैनल पर बता दूंगा। बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में तो आशी वैष्णव तेज एक गरीब मछुआरे का बेटा है जिसे संगीता कृति शेट्टी से प्यार हो जाता है जो एक अमीर जमींदार रायनम विजय सेतुपति की बेटी है। दंपत्ति को प्यार हो जाता है लेकिन दो गांवों के बीच एक गंभीर समस्या कहानी को उल्टा कर देती है। यह देखकर कपल एक पागल कदम उठाता है और उनके जीवन की दिशा को काफ़ी हद तक बदल देता है। आगे की कहानी में क्या होता है इसके लिए यह मूवी आपको देखनी पड़ेगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इस मूवी की जो स्टोरी है काफ़ी गजब की और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और दोस्तों अगर आप साउथ की रोमांटिक मूवीज़ देखना पसंद करते हो तो यह फिल्म आपके लिए सबसे बेस्ट है। तो आप रोमांटिक फिल्में देखना पसंद करते हो साउथ की तो आपको यह मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। दोस्तों कुल मिलाकर उप्पेना एक प्रभावशाली स्टार कास्ट के साथ एक चलती फिरती प्रेम कहानी है। अद्भुत गीत, एक ताज़ा जोड़ी और किरकिरा नाटक इस फिल्म के लिए बुनियादी संपत्ति है। हालांकि कहानी थोड़ी नियमित है और सेकेंड हाफ के कुछ हिस्से अनुमानित हो जाते हैं। सभ्य वर्णन और कठिन चरमोत्कर्ष इस फिल्म को एक प्रभावशाली घड़ी बनाते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप इस मूवी को देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर तेलुगु लैंग्वेज में इंग्लिश हिंदी सबटाइटल्स के साथ। और अगर आप इस मूवी को अनऑफिशियली हिंदी डब वर्जन में देखना चाहते हो तो आप बिल्कुल वेबसाइट्स पर जाकर देख सकते हो। दोस्तों जैसे इस मूवी की ऑफिशियल हिंदी डबिंग से जुड़ी और भी कोई जानकारी सामने आती है तो मैं आपको अगले वीडियो में हमारे चैनल पर बता दूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।
दोस्तों, अगर आप साल 2021 में रिलीज हुई तेलुगु इंडस्ट्री की ब्लॉकबस्टर मूवी उप्पेना को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं उप्पेना मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में। दोस्तों, यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताया हूं और इस मूवी का गजब का रिव्यू भी दिया हूँ। तो दोस्तों, यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बात करें इस मूवी के बारे में तो 12 फरवरी 2021 को रिलीज हुई तेलुगु भाषा की ड्रामा रोमांटिक मूवी उप्पेना। इस मूवी को डायरेक्ट किया है बूची बाबू शना ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो वैष्णव तेज, कीर्ति शेट्टी, विजय सेतुपति, गायत्री जयरमन, मामिल्ला साई चंद, राजीव कनकला, महादेवन, जय कृष्णा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 6.8 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों, इस मूवी का बजट 22 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का कारोबार किया था। दोस्तों, यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस मूवी को ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से पॉजिटिव रिव्यूज मिले थे और दोस्तों, इस मूवी को एक सुपर डुपर हिट करार दिया गया था। दोस्तों, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, यह मूवी सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद इस मूवी का थिएटर प्रीमियर होने के बाद इस मूवी का डिजिटल प्रीमियर हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिला है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिली है सिर्फ और सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज में इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ। तो दोस्तों, आप इस मूवी को तेलुगु लैंग्वेज में इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ नेटफ्लिक्स पर। जी हाँ दोस्तों, आप नेटफ्लिक्स पर इस मूवी को तेलुगु लैंग्वेज में देख सकते हो। बात करें इस मूवी के हिंदी डब वर्जन के बारे में तो दोस्तों, इस मूवी की हिंदी अनऑफिशियल डबिंग काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर अवेलेबल हो चुकी है। अगर आप इस मूवी की हिंदी अनऑफिशियल डब वर्जन को देखना चाहते हो तो आप बिल्कुल वेबसाइट्स पर जाकर देख सकते हो। बात करें इस मूवी के ऑफिशियल हिंदी डब वर्जन के बारे में तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस मूवी की ऑफिशियल हिंदी डबिंग राइट्स को सूत्रों के मुताबिक गोल्डमैश टेलीफिल्म की तरफ से खरीदा गया है। तो दोस्तों, इस मूवी को आने में काफ़ी थोड़ा वक्त ज़्यादा लग सकता है, तो अब देखना यह होगा कि जब भी इस मूवी की ऑफिशियल रिलीज डेट अनाउंसमेंट होती है तो मैं आपको अगले वीडियो में हमारे चैनल पर बता दूंगा। बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में तो आशी वैष्णव तेज एक गरीब मछुआरे का बेटा है जिसे संगीता कृति शेट्टी से प्यार हो जाता है, जो एक अमीर जमींदार रायनम विजय सेतुपति की बेटी है। दंपत्ति को प्यार हो जाता है लेकिन दो गांवों के बीच एक गंभीर समस्या कहानी को उल्टा कर देती है। यह देखकर कपल एक पागल कदम उठाता है और उनके जीवन की दिशा को काफ़ी हद तक बदल देता है। आगे की कहानी में क्या होता है इसके लिए यह मूवी आपको देखनी पड़ेगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस मूवी की जो स्टोरी है काफ़ी गजब की और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और दोस्तों, अगर आप साउथ की रोमांटिक मूवीज़ देखना पसंद करते हो तो यह फिल्म आपके लिए सबसे बेस्ट है। तो आप रोमांटिक फिल्में देखना पसंद करते हो साउथ की, तो आपको यह मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। दोस्तों, कुल मिलाकर उप्पेना एक प्रभावशाली स्टार कास्ट के साथ एक चलती फिरती प्रेम कहानी है। अद्भुत गीत, एक ताज़ा जोड़ी और किरकिरा नाटक इस फिल्म के लिए बुनियादी संपत्ति है। हालांकि कहानी थोड़ी नियमित है और सेकेंड हाफ के कुछ हिस्से अनुमानित हो जाते हैं। सभ्य वर्णन और कठिन चरमोत्कर्ष इस फिल्म को एक प्रभावशाली घड़ी बनाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप इस मूवी को देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर तेलुगु लैंग्वेज में इंग्लिश हिंदी सबटाइटल्स के साथ। और अगर आप इस मूवी को अनऑफिशियली हिंदी डब वर्जन में देखना चाहते हो तो आप बिल्कुल वेबसाइट्स पर जाकर देख सकते हो। दोस्तों, जैसे इस मूवी की ऑफिशियल हिंदी डबिंग से जुड़ी और भी कोई जानकारी सामने आती है तो मैं आपको अगले वीडियो में हमारे चैनल पर बता दूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।
दोस्तों अगर आप साल 2021 में रिलीज हुई तेलुगु इंडस्ट्री की ब्लॉकबस्टर मूवी उप्पेना को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं उप्पेना मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में। दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताया हूं और इस मूवी का गजब का रिव्यू भी दिया हूँ। तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बात करें इस मूवी के बारे में तो 12 फरवरी 2021 को रिलीज हुई तेलुगु भाषा की ड्रामा रोमांटिक मूवी उप्पेना। इस मूवी को डायरेक्ट किया है बूची बाबू शना ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो वैष्णव तेज, कीर्ति शेट्टी, विजय सेतुपति, गायत्री जयरमन, मामिल्ला साई चंद, राजीव कनकला, महादेवन, जय कृष्णा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDb पर 10 में से 6.8 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों इस मूवी का बजट 22 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का कारोबार किया था। दोस्तों यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। मैं आपको बता दूं दोस्तों इस मूवी को ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से पॉजिटिव रिव्यूज मिले थे और दोस्तों इस मूवी को एक सुपर डुपर हिट करार दिया गया था। दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं दोस्तों यह मूवी सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद इस मूवी का थिएटर प्रीमियर होने के बाद इस मूवी का डिजिटल प्रीमियर हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिला है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिली है सिर्फ और सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज में इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ। तो दोस्तों आप इस मूवी को तेलुगु लैंग्वेज में इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ नेटफ्लिक्स पर। जी हाँ दोस्तों आप नेटफ्लिक्स पर इस मूवी को तेलुगु लैंग्वेज में देख सकते हो। बात करें इस मूवी के हिंदी डब वर्जन के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की हिंदी अनऑफिशियल डबिंग काफी सारी वेबसाइट्स पर अवेलेबल हो चुकी है। अगर आप इस मूवी की हिंदी अनऑफिशियल डब वर्जन को देखना चाहते हो तो आप बिल्कुल वेबसाइट्स पर जाकर देख सकते हो। बात करें इस मूवी के ऑफिशियल हिंदी डब वर्जन के बारे में तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इस मूवी की ऑफिशियल हिंदी डबिंग राइट्स को सूत्रों के मुताबिक गोल्डमैश टेलीफिल्म की तरफ से खरीदा गया है। तो दोस्तों इस मूवी को आने में काफी थोड़ा वक्त ज्यादा लग सकता है तो अब देखना यह होगा कि जब भी इस मूवी की ऑफिशियल रिलीज डेट अनाउंसमेंट होती है तो मैं आपको अगले वीडियो में हमारे चैनल पर बता दूंगा। बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में तो आशी वैष्णव तेज एक गरीब मछुआरे का बेटा है जिसे संगीता कृति शेट्टी से प्यार हो जाता है जो एक अमीर जमींदार रायनम विजय सेतुपति की बेटी है। दंपत्ति को प्यार हो जाता है लेकिन दो गांवों के बीच एक गंभीर समस्या कहानी को उल्टा कर देती है। यह देखकर कपल एक पागल कदम उठाता है और उनके जीवन की दिशा को काफ़ी हद तक बदल देता है। आगे की कहानी में क्या होता है इसके लिए यह मूवी आपको देखनी पड़ेगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इस मूवी की जो स्टोरी है काफ़ी गजब की और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और दोस्तों अगर आप साउथ की रोमांटिक मूवीज़ देखना पसंद करते हो तो यह फिल्म आपके लिए सबसे बेस्ट है। तो आप रोमांटिक फिल्में देखना पसंद करते हो साउथ की तो आपको यह मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। दोस्तों कुल मिलाकर उप्पेना एक प्रभावशाली स्टार कास्ट के साथ एक चलती फिरती प्रेम कहानी है। अद्भुत गीत, एक ताज़ा जोड़ी और किरकिरा नाटक इस फिल्म के लिए बुनियादी संपत्ति है। हालांकि कहानी थोड़ी नियमित है और सेकेंड हाफ के कुछ हिस्से अनुमानित हो जाते हैं। सभ्य वर्णन और कठिन चरमोत्कर्ष इस फिल्म को एक प्रभावशाली घड़ी बनाते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप इस मूवी को देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर तेलुगु लैंग्वेज में इंग्लिश हिंदी सबटाइटल्स के साथ। और अगर आप इस मूवी को अनऑफिशियली हिंदी डब वर्जन में देखना चाहते हो तो आप बिल्कुल वेबसाइट्स पर जाकर देख सकते हो। दोस्तों जैसे इस मूवी की ऑफिशियल हिंदी डबिंग से जुड़ी और भी कोई जानकारी सामने आती है तो मैं आपको अगले वीडियो में हमारे चैनल पर बता दूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।
दोस्तों अगर आप साल 2021 में रिलीज हुई तेलुगु इंडस्ट्री की ब्लॉकबस्टर मूवी उप्पेना को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं उप्पेना मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में। दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताया हूं और इस मूवी का गजब का रिव्यू भी दिया हूं। तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बात करें इस मूवी के बारे में तो 12 फरवरी 2021 को रिलीज हुई तेलुगु भाषा की ड्रामा रोमांटिक मूवी उप्पेना। इस मूवी को डायरेक्ट किया है बूची बाबू शना ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो वैष्णव तेज, कीर्ति शेट्टी, विजय सेतुपति, गायत्री जयरमन, मामिल्ला, साई चंद, राजीव कनकला, महादेवन, जय कृष्णा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDb पर 10 में से 6.8 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों इस मूवी का बजट 22 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का कारोबार किया था। दोस्तों यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। मैं आपको बता दूं दोस्तों इस मूवी को ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से पॉजिटिव रिव्यूज मिले थे और दोस्तों इस मूवी को एक सुपर डुपर हिट करार दिया गया था। दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं दोस्तों यह मूवी सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद इस मूवी का थिएटर प्रीमियर होने के बाद इस मूवी का डिजिटल प्रीमियर हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिला है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिली है सिर्फ और सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज में इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ। तो दोस्तों आप इस मूवी को तेलुगु लैंग्वेज में इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ नेटफ्लिक्स पर। जी हाँ दोस्तों आप नेटफ्लिक्स पर इस मूवी को तेलुगु लैंग्वेज में देख सकते हो। बात करें इस मूवी के हिंदी डब वर्जन के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की हिंदी अनऑफिशियल डबिंग काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर अवेलेबल हो चुकी है। अगर आप इस मूवी की हिंदी अनऑफिशियल डब वर्जन को देखना चाहते हो तो आप बिल्कुल वेबसाइट्स पर जाकर देख सकते हो। बात करें इस मूवी के ऑफिशियल हिंदी डब वर्जन के बारे में तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इस मूवी की ऑफिशियल हिंदी डबिंग राइट्स को सूत्रों के मुताबिक गोल्डमैश टेलीफिल्म की तरफ से खरीदा गया है। तो दोस्तों इस मूवी को आने में काफ़ी थोड़ा वक्त ज़्यादा लग सकता है तो अब देखना यह होगा कि जब भी इस मूवी की ऑफिशियल रिलीज डेट अनाउंसमेंट होती है तो मैं आपको अगले वीडियो में हमारे चैनल पर बता दूंगा। बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में तो आशी वैष्णव तेज एक गरीब मछुआरे का बेटा है जिसे संगीता कृति शेट्टी से प्यार हो जाता है जो एक अमीर जमींदार रायनम विजय सेतुपति की बेटी है। दंपत्ति को प्यार हो जाता है लेकिन दो गांवों के बीच एक गंभीर समस्या कहानी को उल्टा कर देती है। यह देखकर कपल एक पागल कदम उठाता है और उनके जीवन की दिशा को काफ़ी हद तक बदल देता है। आगे की कहानी में क्या होता है इसके लिए यह मूवी आपको देखनी पड़ेगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इस मूवी की जो स्टोरी है काफ़ी गजब की और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और दोस्तों अगर आप साउथ की रोमांटिक मूवीज़ देखना पसंद करते हो तो यह फिल्म आपके लिए सबसे बेस्ट है। तो आप रोमांटिक फिल्में देखना पसंद करते हो साउथ की तो आपको यह मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। दोस्तों कुल मिलाकर उप्पेना एक प्रभावशाली स्टार कास्ट के साथ एक चलती फिरती प्रेम कहानी है। अद्भुत गीत, एक ताज़ा जोड़ी और किरकिरा नाटक इस फिल्म के लिए बुनियादी संपत्ति है। हालांकि कहानी थोड़ी नियमित है और सेकेंड हाफ के कुछ हिस्से अनुमानित हो जाते हैं। सभ्य वर्णन और कठिन चरमोत्कर्ष इस फिल्म को एक प्रभावशाली घड़ी बनाते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप इस मूवी को देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर तेलुगु लैंग्वेज में इंग्लिश हिंदी सबटाइटल्स के साथ। और अगर आप इस मूवी को अनऑफिशियली हिंदी डब वर्जन में देखना चाहते हो तो आप बिल्कुल वेबसाइट्स पर जाकर देख सकते हो। दोस्तों जैसे इस मूवी की ऑफिशियल हिंदी डबिंग से जुड़ी और भी कोई जानकारी सामने आती है तो मैं आपको अगले वीडियो में हमारे चैनल पर बता दूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।
दोस्तों अगर आप साल 2021 में रिलीज हुई तेलुगु इंडस्ट्री की ब्लॉकबस्टर मूवी उप्पेना को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं उप्पेना मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में। दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताया हूं और इस मूवी का गजब का रिव्यू भी दिया हूँ। तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बात करें इस मूवी के बारे में तो 12 फरवरी 2021 को रिलीज हुई तेलुगु भाषा की ड्रामा रोमांटिक मूवी उप्पेना। इस मूवी को डायरेक्ट किया है बूची बाबू शर्मा ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो वैष्णव तेज, कीर्ति शेट्टी, विजय सेतुपति, गायत्री जयरमन, मामिल्ला साई चंद, राजीव कनकला, महादेवन, जय कृष्णा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 6.8 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों इस मूवी का बजट 22 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का कारोबार किया था। दोस्तों यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। मैं आपको बता दूं दोस्तों इस मूवी को ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से पॉजिटिव रिव्यूज मिले थे और दोस्तों इस मूवी को एक सुपर डुपर हिट करार दिया गया था। दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं दोस्तों यह मूवी सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद इस मूवी का थिएटर प्रीमियर होने के बाद इस मूवी का डिजिटल प्रीमियर हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिला है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिली है सिर्फ और सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज में इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ। तो दोस्तों आप इस मूवी को तेलुगु लैंग्वेज में इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ नेटफ्लिक्स पर। जी हाँ दोस्तों आप नेटफ्लिक्स पर इस मूवी को तेलुगु लैंग्वेज में देख सकते हो। बात करें इस मूवी के हिंदी डब वर्जन के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की हिंदी अनऑफिशियल डबिंग काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर अवेलेबल हो चुकी है। अगर आप इस मूवी की हिंदी अनऑफिशियल डब वर्जन को देखना चाहते हो तो आप बिल्कुल वेबसाइट्स पर जाकर देख सकते हो। बात करें इस मूवी के ऑफिशियल हिंदी डब वर्जन के बारे में तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इस मूवी की ऑफिशियल हिंदी डबिंग राइट्स को सूत्रों के मुताबिक गोल्डमाइंस टेलीफिल्म की तरफ से खरीदा गया है। तो दोस्तों इस मूवी को आने में काफ़ी थोड़ा वक्त ज़्यादा लग सकता है तो अब देखना यह होगा कि जब भी इस मूवी की ऑफिशियल रिलीज डेट अनाउंसमेंट होती है तो मैं आपको अगले वीडियो में हमारे चैनल पर बता दूंगा। बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में तो आशी वैष्णव तेज एक गरीब मछुआरे का बेटा है जिसे संगीता कृति शेट्टी से प्यार हो जाता है जो एक अमीर जमींदार रायनम विजय सेतुपति की बेटी है। दंपत्ति को प्यार हो जाता है लेकिन दो गांवों के बीच एक गंभीर समस्या कहानी को उल्टा कर देती है। यह देखकर कपल एक पागल कदम उठाता है और उनके जीवन की दिशा को काफ़ी हद तक बदल देता है। आगे की कहानी में क्या होता है इसके लिए यह मूवी आपको देखनी पड़ेगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इस मूवी की जो स्टोरी है काफ़ी गजब की और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और दोस्तों अगर आप साउथ की रोमांटिक मूवीज़ देखना पसंद करते हो तो यह फिल्म आपके लिए सबसे बेस्ट है। तो आप रोमांटिक फिल्में देखना पसंद करते हो साउथ की तो आपको यह मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। दोस्तों कुल मिलाकर उप्पेना एक प्रभावशाली स्टार कास्ट के साथ एक चलती फिरती प्रेम कहानी है। अद्भुत गीत, एक ताज़ा जोड़ी और किरकिरा नाटक इस फिल्म के लिए बुनियादी संपत्ति है। हालांकि कहानी थोड़ी नियमित है और सेकेंड हाफ के कुछ हिस्से अनुमानित हो जाते हैं। सभ्य वर्णन और कठिन चरमोत्कर्ष इस फिल्म को एक प्रभावशाली घड़ी बनाते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप इस मूवी को देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर तेलुगु लैंग्वेज में इंग्लिश हिंदी सबटाइटल्स के साथ। और अगर आप इस मूवी को अनऑफिशियली हिंदी डब वर्जन में देखना चाहते हो तो आप बिल्कुल वेबसाइट्स पर जाकर देख सकते हो। दोस्तों जैसे इस मूवी की ऑफिशियल हिंदी डबिंग से जुड़ी और भी कोई जानकारी सामने आती है तो मैं आपको अगले वीडियो में हमारे चैनल पर बता दूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।
दोस्तों अगर आप साल 2021 में रिलीज हुई तेलुगु इंडस्ट्री की ब्लॉकबस्टर मूवी उप्पेना को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं उप्पेना मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में। दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताया हूं और इस मूवी का गजब का रिव्यू भी दिया हूँ। तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बात करें इस मूवी के बारे में तो 12 फरवरी 2021 को रिलीज हुई तेलुगु भाषा की ड्रामा रोमांटिक मूवी उप्पेना। इस मूवी को डायरेक्ट किया है बूची बाबू शना ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो वैष्णव तेज, कीर्ति शेट्टी, विजय सेतुपति, गायत्री जयरमन, मामिल्ला साई चंद, राजीव खनकला, महादेवन, जय कृष्णा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को आईएमडीबी पर 10 में से 6.8 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों इस मूवी का बजट 22 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का कारोबार किया था। दोस्तों यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। मैं आपको बता दूं दोस्तों इस मूवी को ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से पॉजिटिव रिव्यूज मिले थे और दोस्तों इस मूवी को एक सुपर डुपर हिट करार दिया गया था। दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं दोस्तों यह मूवी सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद इस मूवी का थिएटर प्रीमियर होने के बाद इस मूवी का डिजिटल प्रीमियर हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिला है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिली है सिर्फ और सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज में इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ। तो दोस्तों आप इस मूवी को तेलुगु लैंग्वेज में इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ नेटफ्लिक्स पर। जी हाँ दोस्तों आप नेटफ्लिक्स पर इस मूवी को तेलुगु लैंग्वेज में देख सकते हो। बात करें इस मूवी के हिंदी डब वर्जन के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की हिंदी अनऑफिशियल डबिंग काफी सारी वेबसाइट्स पर अवेलेबल हो चुकी है। अगर आप इस मूवी की हिंदी अनऑफिशियल डब वर्जन को देखना चाहते हो तो आप बिल्कुल वेबसाइट्स पर जाकर देख सकते हो। बात करें इस मूवी के ऑफिशियल हिंदी डब वर्जन के बारे में तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इस मूवी की ऑफिशियल हिंदी डबिंग राइट्स को सूत्रों के मुताबिक गोल्डमैश टेलीफिल्म की तरफ से खरीदा गया है। तो दोस्तों इस मूवी को आने में काफी थोड़ा वक्त ज्यादा लग सकता है, तो अब देखना यह होगा कि जब भी इस मूवी की ऑफिशियल रिलीज डेट अनाउंसमेंट होती है तो मैं आपको अगले वीडियो में हमारे चैनल पर बता दूंगा। बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में तो आशी वैष्णव तेज एक गरीब मछुआरे का बेटा है जिसे संगीता कृति शेट्टी से प्यार हो जाता है जो एक अमीर जमींदार रायनम विजय सेतुपति की बेटी है। दंपत्ति को प्यार हो जाता है लेकिन दो गांवों के बीच एक गंभीर समस्या कहानी को उल्टा कर देती है। यह देखकर कपल एक पागल कदम उठाता है और उनके जीवन की दिशा को काफ़ी हद तक बदल देता है। आगे की कहानी में क्या होता है इसके लिए यह मूवी आपको देखनी पड़ेगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इस मूवी की जो स्टोरी है काफ़ी गजब की और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और दोस्तों अगर आप साउथ की रोमांटिक मूवीज़ देखना पसंद करते हो तो यह फिल्म आपके लिए सबसे बेस्ट है। तो आप रोमांटिक फिल्में देखना पसंद करते हो साउथ की तो आपको यह मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। दोस्तों कुल मिलाकर उप्पेना एक प्रभावशाली स्टार कास्ट के साथ एक चलती फिरती प्रेम कहानी है। अद्भुत गीत, एक ताज़ा जोड़ी और किरकिरा नाटक इस फिल्म के लिए बुनियादी संपत्ति है। हालांकि कहानी थोड़ी नियमित है और सेकेंड हाफ के कुछ हिस्से अनुमानित हो जाते हैं। सभ्य वर्णन और कठिन चरमोत्कर्ष इस फिल्म को एक प्रभावशाली घड़ी बनाते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप इस मूवी को देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर तेलुगु लैंग्वेज में इंग्लिश हिंदी सबटाइटल्स के साथ। और अगर आप इस मूवी को अनऑफिशियली हिंदी डब वर्जन में देखना चाहते हो तो आप बिल्कुल वेबसाइट्स पर जाकर देख सकते हो। दोस्तों जैसे इस मूवी की ऑफिशियल हिंदी डबिंग से जुड़ी और भी कोई जानकारी सामने आती है तो मैं आपको अगले वीडियो में हमारे चैनल पर बता दूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।
दोस्तों अगर आप साल 2021 में रिलीज हुई तेलुगु इंडस्ट्री की ब्लॉकबस्टर मूवी उप्पेना को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं उप्पेना मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में। दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताया हूं और इस मूवी का गजब का रिव्यू भी दिया हूं। तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बात करें इस मूवी के बारे में तो 12 फरवरी 2021 को रिलीज हुई तेलुगु भाषा की ड्रामा रोमांटिक मूवी उप्पेना। इस मूवी को डायरेक्ट किया है बूची बाबू शना ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो वैष्णव तेज, कीर्ति शेट्टी, विजय सेतुपति, गायत्री जयरमन, मामिल्ला, साई चंद, राजीव कनकला, महादेवन, जय कृष्णा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDb पर 10 में से 6.8 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों इस मूवी का बजट 22 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का कारोबार किया था। दोस्तों यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। मैं आपको बता दूं दोस्तों इस मूवी को ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से पॉजिटिव रिव्यूज मिले थे और दोस्तों इस मूवी को एक सुपर डुपर हिट करार दिया गया था। दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं दोस्तों यह मूवी सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद इस मूवी का थिएटर प्रीमियर होने के बाद इस मूवी का डिजिटल प्रीमियर हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिला है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिली है सिर्फ और सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज में इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ। तो दोस्तों आप इस मूवी को तेलुगु लैंग्वेज में इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ नेटफ्लिक्स पर। जी हाँ दोस्तों आप नेटफ्लिक्स पर इस मूवी को तेलुगु लैंग्वेज में देख सकते हो। बात करें इस मूवी के हिंदी डब वर्जन के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की हिंदी अनऑफिशियल डबिंग काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर अवेलेबल हो चुकी है। अगर आप इस मूवी की हिंदी अनऑफिशियल डब वर्जन को देखना चाहते हो तो आप बिल्कुल वेबसाइट्स पर जाकर देख सकते हो। बात करें इस मूवी के ऑफिशियल हिंदी डब वर्जन के बारे में तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इस मूवी की ऑफिशियल हिंदी डबिंग राइट्स को सूत्रों के मुताबिक गोल्डमैश टेलीफिल्म की तरफ से खरीदा गया है। तो दोस्तों इस मूवी को आने में काफ़ी थोड़ा वक्त ज़्यादा लग सकता है तो अब देखना यह होगा कि जब भी इस मूवी की ऑफिशियल रिलीज डेट अनाउंसमेंट होती है तो मैं आपको अगले वीडियो में हमारे चैनल पर बता दूंगा। बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में तो आशी वैष्णव तेज एक गरीब मछुआरे का बेटा है जिसे संगीता कृति शेट्टी से प्यार हो जाता है जो एक अमीर जमींदार रायनम विजय सेतुपति की बेटी है। दंपत्ति को प्यार हो जाता है लेकिन दो गांवों के बीच एक गंभीर समस्या कहानी को उल्टा कर देती है। यह देखकर कपल एक पागल कदम उठाता है और उनके जीवन की दिशा को काफ़ी हद तक बदल देता है। आगे की कहानी में क्या होता है इसके लिए यह मूवी आपको देखनी पड़ेगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इस मूवी की जो स्टोरी है काफ़ी गजब की और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और दोस्तों अगर आप साउथ की रोमांटिक मूवीज़ देखना पसंद करते हो तो यह फिल्म आपके लिए सबसे बेस्ट है। तो आप रोमांटिक फिल्में देखना पसंद करते हो साउथ की तो आपको यह मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। दोस्तों कुल मिलाकर उप्पेना एक प्रभावशाली स्टार कास्ट के साथ एक चलती फिरती प्रेम कहानी है। अद्भुत गीत, एक ताज़ा जोड़ी और किरकिरा नाटक इस फिल्म के लिए बुनियादी संपत्ति है। हालांकि कहानी थोड़ी नियमित है और सेकेंड हाफ के कुछ हिस्से अनुमानित हो जाते हैं। सभ्य वर्णन और कठिन चरमोत्कर्ष इस फिल्म को एक प्रभावशाली घड़ी बनाते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप इस मूवी को देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर तेलुगु लैंग्वेज में इंग्लिश हिंदी सबटाइटल्स के साथ। और अगर आप इस मूवी को अनऑफिशियली हिंदी डब वर्जन में देखना चाहते हो तो आप बिल्कुल वेबसाइट्स पर जाकर देख सकते हो। दोस्तों जैसे इस मूवी की ऑफिशियल हिंदी डबिंग से जुड़ी और भी कोई जानकारी सामने आती है तो मैं आपको अगले वीडियो में हमारे चैनल पर बता दूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।
दोस्तों अगर आप साल 2021 में रिलीज हुई तेलुगु इंडस्ट्री की ब्लॉकबस्टर मूवी उप्पेना को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं उप्पेना मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में। दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताया हूं और इस मूवी का गजब का रिव्यू भी दिया हूं। तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बात करें इस मूवी के बारे में तो 12 फरवरी 2021 को रिलीज हुई तेलुगु भाषा की ड्रामा रोमांटिक मूवी उप्पेना। इस मूवी को डायरेक्ट किया है बूची बाबू शना ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो वैष्णव तेज, कीर्ति शेट्टी, विजय सेतुपति, गायत्री जयरमन, मामिल्ला, साई चंद, राजीव कनकला, महादेवन, जय कृष्णा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 6.8 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों इस मूवी का बजट 22 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का कारोबार किया था। दोस्तों यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। मैं आपको बता दूं दोस्तों इस मूवी को ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से पॉजिटिव रिव्यूज मिले थे और दोस्तों इस मूवी को एक सुपर डुपर हिट करार दिया गया था। दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं दोस्तों यह मूवी सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद इस मूवी का थिएटर प्रीमियर होने के बाद इस मूवी का डिजिटल प्रीमियर हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिला है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिली है सिर्फ और सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज में इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ। तो दोस्तों आप इस मूवी को तेलुगु लैंग्वेज में इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ नेटफ्लिक्स पर। जी हाँ दोस्तों आप नेटफ्लिक्स पर इस मूवी को तेलुगु लैंग्वेज में देख सकते हो। बात करें इस मूवी के हिंदी डब वर्जन के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की हिंदी अनऑफिशियल डबिंग काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर अवेलेबल हो चुकी है। अगर आप इस मूवी की हिंदी अनऑफिशियल डब वर्जन को देखना चाहते हो तो आप बिल्कुल वेबसाइट्स पर जाकर देख सकते हो। बात करें इस मूवी के ऑफिशियल हिंदी डब वर्जन के बारे में तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इस मूवी की ऑफिशियल हिंदी डबिंग राइट्स को सूत्रों के मुताबिक गोल्डमैश टेलीफिल्म की तरफ से खरीदा गया है। तो दोस्तों इस मूवी को आने में काफ़ी थोड़ा वक्त ज़्यादा लग सकता है, तो अब देखना यह होगा कि जब भी इस मूवी की ऑफिशियल रिलीज डेट अनाउंसमेंट होती है तो मैं आपको अगले वीडियो में हमारे चैनल पर बता दूंगा। बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में तो आशी वैष्णव तेज एक गरीब मछुआरे का बेटा है जिसे संगीता कृति शेट्टी से प्यार हो जाता है, जो एक अमीर जमींदार रायनम विजय सेतुपति की बेटी है। दंपत्ति को प्यार हो जाता है लेकिन दो गांवों के बीच एक गंभीर समस्या कहानी को उल्टा कर देती है। यह देखकर कपल एक पागल कदम उठाता है और उनके जीवन की दिशा को काफ़ी हद तक बदल देता है। आगे की कहानी में क्या होता है इसके लिए यह मूवी आपको देखनी पड़ेगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इस मूवी की जो स्टोरी है काफ़ी गजब की और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और दोस्तों अगर आप साउथ की रोमांटिक मूवीज़ देखना पसंद करते हो तो यह फिल्म आपके लिए सबसे बेस्ट है। तो आप रोमांटिक फिल्में देखना पसंद करते हो साउथ की तो आपको यह मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। दोस्तों कुल मिलाकर उप्पेना एक प्रभावशाली स्टार कास्ट के साथ एक चलती फिरती प्रेम कहानी है। अद्भुत गीत, एक ताज़ा जोड़ी और किरकिरा नाटक इस फिल्म के लिए बुनियादी संपत्ति है। हालांकि कहानी थोड़ी नियमित है और सेकेंड हाफ के कुछ हिस्से अनुमानित हो जाते हैं। सभ्य वर्णन और कठिन चरमोत्कर्ष इस फिल्म को एक प्रभावशाली घड़ी बनाते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप इस मूवी को देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर तेलुगु लैंग्वेज में इंग्लिश हिंदी सबटाइटल्स के साथ। और अगर आप इस मूवी को अनऑफिशियली हिंदी डब वर्जन में देखना चाहते हो तो आप बिल्कुल वेबसाइट्स पर जाकर देख सकते हो। दोस्तों जैसे इस मूवी की ऑफिशियल हिंदी डबिंग से जुड़ी और भी कोई जानकारी सामने आती है तो मैं आपको अगले वीडियो में हमारे चैनल पर बता दूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।
दोस्तों अगर आप साल 2021 में रिलीज हुई तेलुगु इंडस्ट्री की ब्लॉकबस्टर मूवी उप्पेना को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं उप्पेना मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में। दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताया हूं और इस मूवी का गजब का रिव्यू भी दिया हूँ। तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बात करें इस मूवी के बारे में तो 12 फरवरी 2021 को रिलीज हुई तेलुगु भाषा की ड्रामा रोमांटिक मूवी उप्पेना। इस मूवी को डायरेक्ट किया है बूची बाबू शना ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो वैष्णव तेज, कीर्ति शेट्टी, विजय सेतुपति, गायत्री जयरमन, मामिल्ला साई चंद, राजीव कनकला, महादेवन, जय कृष्णा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को आईएमडीबी पर 10 में से 6.8 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों इस मूवी का बजट 22 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का कारोबार किया था। दोस्तों यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। मैं आपको बता दूं दोस्तों इस मूवी को ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से पॉजिटिव रिव्यूज मिले थे और दोस्तों इस मूवी को एक सुपर डुपर हिट करार दिया गया था। दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं दोस्तों यह मूवी सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद इस मूवी का थिएटर प्रीमियर होने के बाद इस मूवी का डिजिटल प्रीमियर हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिला है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिली है सिर्फ और सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज में इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ। तो दोस्तों आप इस मूवी को तेलुगु लैंग्वेज में इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ नेटफ्लिक्स पर। जी हाँ दोस्तों आप नेटफ्लिक्स पर इस मूवी को तेलुगु लैंग्वेज में देख सकते हो। बात करें इस मूवी के हिंदी डब वर्जन के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की हिंदी अनऑफिशियल डबिंग काफी सारी वेबसाइट्स पर अवेलेबल हो चुकी है। अगर आप इस मूवी की हिंदी अनऑफिशियल डब वर्जन को देखना चाहते हो तो आप बिल्कुल वेबसाइट्स पर जाकर देख सकते हो। बात करें इस मूवी के ऑफिशियल हिंदी डब वर्जन के बारे में तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इस मूवी की ऑफिशियल हिंदी डबिंग राइट्स को सूत्रों के मुताबिक गोल्डमैश टेलीफिल्म की तरफ से खरीदा गया है। तो दोस्तों इस मूवी को आने में काफी थोड़ा वक्त ज्यादा लग सकता है, तो अब देखना यह होगा कि जब भी इस मूवी की ऑफिशियल रिलीज डेट अनाउंसमेंट होती है तो मैं आपको अगले वीडियो में हमारे चैनल पर बता दूंगा। बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में तो आशी वैष्णव तेज एक गरीब मछुआरे का बेटा है जिसे संगीता कृति शेट्टी से प्यार हो जाता है जो एक अमीर जमींदार रायनम विजय सेतुपति की बेटी है। दंपत्ति को प्यार हो जाता है लेकिन दो गांवों के बीच एक गंभीर समस्या कहानी को उल्टा कर देती है। यह देखकर कपल एक पागल कदम उठाता है और उनके जीवन की दिशा को काफ़ी हद तक बदल देता है। आगे की कहानी में क्या होता है इसके लिए यह मूवी आपको देखनी पड़ेगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इस मूवी की जो स्टोरी है काफ़ी गजब की और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और दोस्तों अगर आप साउथ की रोमांटिक मूवीज़ देखना पसंद करते हो तो यह फिल्म आपके लिए सबसे बेस्ट है। तो आप रोमांटिक फिल्में देखना पसंद करते हो साउथ की तो आपको यह मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। दोस्तों कुल मिलाकर उप्पेना एक प्रभावशाली स्टार कास्ट के साथ एक चलती फिरती प्रेम कहानी है। अद्भुत गीत, एक ताज़ा जोड़ी और किरकिरा नाटक इस फिल्म के लिए बुनियादी संपत्ति है। हालांकि कहानी थोड़ी नियमित है और सेकेंड हाफ के कुछ हिस्से अनुमानित हो जाते हैं। दोस्तों अगर आप साल 2021 में रिलीज हुई तेलुगु इंडस्ट्री की ब्लॉकबस्टर मूवी उप्पेना को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं उप्पेना मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में। दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो
तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताया हूं और इस मूवी का गजब का रिव्यू भी दिया हूं। तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बात करें इस मूवी के बारे में तो 12 फरवरी 2021 को रिलीज हुई तेलुगु भाषा की ड्रामा रोमांटिक मूवी उपेना। इस मूवी को डायरेक्ट किया है बूची बाबू शना ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो वैष्णव तेज, कीर्ति शेट्टी, विजय सेतुपति, गायत्री जयरमन, मामिल्ला साई चंद, राजीव खनकला, महादेवन, जय कृष्णा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDb पर 10 में से 6.8 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों इस मूवी का बजट 22 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का कारोबार किया था। दोस्तों यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। मैं आपको बता दूं दोस्तों इस मूवी को ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से पॉजिटिव रिव्यूज मिले थे और दोस्तों इस मूवी को एक सुपर डुपर हिट करार दिया गया था। दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं दोस्तों यह मूवी सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद इस मूवी का थिएटर प्रीमियर होने के बाद इस मूवी का डिजिटल प्रीमियर हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिला है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिली है सिर्फ और सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज में इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ। तो दोस्तों आप इस मूवी को तेलुगु लैंग्वेज में इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ नेटफ्लिक्स पर। जी हाँ दोस्तों आप नेटफ्लिक्स पर इस मूवी को तेलुगु लैंग्वेज में देख सकते हो। बात करें इस मूवी के हिंदी डब वर्जन के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की हिंदी अनऑफिशियल डबिंग काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर अवेलेबल हो चुकी है। अगर आप इस मूवी की हिंदी अनऑफिशियल डब वर्जन को देखना चाहते हो तो आप बिल्कुल वेबसाइट्स पर जाकर देख सकते हो। बात करें इस मूवी के ऑफिशियल हिंदी डब वर्जन के बारे में तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ इस मूवी की ऑफिशियल हिंदी डबिंग राइट्स को सूत्रों के मुताबिक गोल्डमैश टेलीफिल्म की तरफ से खरीदा गया है। तो दोस्तों इस मूवी को आने में काफ़ी थोड़ा वक्त ज़्यादा लग सकता है, तो अब देखना यह होगा कि जब भी इस मूवी की ऑफिशियल रिलीज डेट अनाउंसमेंट होती है तो मैं आपको अगले वीडियो में हमारे चैनल पर बता दूंगा। बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में तो आशी वैष्णव तेज एक गरीब मछुआरे का बेटा है जिसे संगीता कृति शेट्टी से प्यार हो जाता है, जो एक अमीर जमींदार रायनम विजय सेतुपति की बेटी है। दंपत्ति को प्यार हो जाता है लेकिन दो गांवों के बीच एक गंभीर समस्या कहानी को उल्टा कर देती है। यह देखकर कपल एक पागल कदम उठाता है और उनके जीवन की दिशा को काफ़ी हद तक बदल देता है। आगे की कहानी में क्या होता है इसके लिए यह मूवी आपको देखनी पड़ेगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इस मूवी की जो स्टोरी है काफ़ी गजब की और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और दोस्तों अगर आप साउथ की रोमांटिक मूवीज़ देखना पसंद करते हो तो यह फिल्म आपके लिए सबसे बेस्ट है। तो आप रोमांटिक फिल्में देखना पसंद करते हो साउथ की तो आपको यह मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। दोस्तों कुल मिलाकर उपेना एक प्रभावशाली स्टार कास्ट के साथ एक चलती फिरती प्रेम कहानी है। अद्भुत गीत, एक ताज़ा जोड़ी और किरकिरा नाटक इस फिल्म के लिए बुनियादी संपत्ति है। हालांकि कहानी थोड़ी नियमित है और सेकेंड हाफ के कुछ हिस्से अनुमानित हो जाते हैं। सभ्य वर्णन और कठिन चरमोत्कर्ष इस फिल्म को एक प्रभावशाली घड़ी बनाते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप इस मूवी को देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर तेलुगु लैंग्वेज में इंग्लिश हिंदी सबटाइटल्स के साथ। और अगर आप इस मूवी को अनऑफिशियली हिंदी डब वर्जन में देखना चाहते हो तो आप बिल्कुल वेबसाइट्स पर जाकर देख सकते हो। दोस्तों जैसे इस मूवी की ऑफिशियल हिंदी डबिंग से जुड़ी और भी कोई जानकारी सामने आती है तो मैं आपको अगले वीडियो में हमारे चैनल पर बता दूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।